यार अलग ही प्रॉब्लम है सही में अब चला है हेलो 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 नमस्कार 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 बेटा आई स्टार्टेड द सेशन एट फाइव इट वाज बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब ग्लिच यार पानी भिजवा देना गर्म प्लीज मैं यहां पे बेटा पांच मिनट से बोल रही थी पांच बजे से पांच फाइव फाइव तक में कॉन्स्टेंट मैन इंट्रोडक्शन भी दे दिया और मैंने देखा कि यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है लेक्चर फिर मुझे नजर आया कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है लेक्चर क्या अभी मैं नजर आ रही हूं ऑडियो वीडियो क्लियर एवरीबॉडी इट वाज बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब ग्लिच आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी यार पांच मिनट तक मैं सिर्फ कैमरे से बात कर रही थी फिर मैंने अपने फोन पे खोल के देखा कि एक बार देख लेती हूं कि ऑडियो वीडियो सही आ रही है कि नहीं थी यार, मैं टाइम थी, अब मैं क्या ही बोलूं? अच्छा सुनो मेरी बात जो जो चीजें मैंने कैमरे से बोली थी वो मैं वापस से बच्चों से बोल देती हूँ कि इससे पहले बेटा हमने लेक्चर किया था एनिमल टिश्यूज आप सबके मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आ, मैंने देखा कि मोस्टली बच्चे बहुत सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट सारे करेक्ट किए थे कुछ बच्चों का एक से दो सवाल गलत हुआ था और बहुत अच्छी बात है कि आपको हो रहा है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था नीट एग्जाम का मतलब, नीट का मतलब है और हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल बेस, नीट बेस करी थी और आ, मैंने ये चीज भी पढ़ी जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूं कि आप समझ रहे हैं आप अगर बेटा एनसीआरटी भी ढंग से पढ़ ले तो आपका नीट क्रैक हो सकता है इधर उधर के चक्कर में बेटा वाला कंटेंट आपको नहीं भूलना है ठीक है सो जैसा आपको पिछली क्लास में और बच्चों को समाप्ति एक्सप्रेस भी बहुत पसंद आई थी जो हम बड़े बड़े टॉपिक्स के बाद दो मिनट का क्विक रिविजन करते हैं आज भी हम वो करेंगे क्योंकि आप लोग को पसंद आया था समाप्ति एक्सप्रेस बच्चों ने टाइम स्टैम भी लगा रखे थे तो वी विल डू द सेम थिंग लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है बेटा छोटा लेक्चर है दो से तीन घंटे में आई थिंक हो जाना चाहिए लेट्स सी कितने घंटे में होता है ठीक है ऑल माई सपोलर्स इन हाउस ऑल माई प्यारे प्यारे न्यारे बच्चे इन द हाउस आज हम करेंगे बेटा कॉकरोच फ्रॉग और अर्थवर्म आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है नीट के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपका बहुत ही प्रिय दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड कॉकरोच है और इसको हम उसी एनर्जी से बेटा अगर आप अटेंटिवली क्लास में सुनेंगे जैसे आपने पिछली क्लास में किया था तो हम क्लास का कॉन्टेंट क्लास में याद करवा देंगे बशर्ते आप ढंग से सुन रहे हो ठीक है अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्या कहूं लेकिन अगर आप अच्छे से सुनोगे आई प्रोमिस बेटा

जोश बेटा शुरू से लेके अंत तक आपका मेंटेन होना चाहिए ये नहीं कि शुरुआत आपने एकदम बेटा जबरदस्त की और लास्ट में फैल गए वैसा नहीं होना चाहिए ठीक है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना लेक्चर के बाद की लेक्चर में याद हुआ कि नहीं ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ऑगी कॉकरोचेस चलो बेटा देखो हमें पढ़ना है आपके मेरे फेवरेट एनिमल के बारे में कॉकरोच के बारे में और आ, कॉकरोच की जब हम बात करते हैं तो पहले बेटा मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देती जो में कुछ जनरल बातें की गई है कॉकरोच पे पीएचडी नहीं करनी है बेटा बेटा जहां पीएचडी करने जाओगे तो आपका असली कॉन्टेंट छूट जाएगा ठीक है क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कॉकरोच में कोई पीएचडी नहीं करनी है कोई तुमसे उसके बारे में बेटा डिटेलिंग नहीं पूछ रहा है जितना एनसीआरटी कहती है उतना आपको याद होना चाहिए ठीक है तो कॉकरोच में हम दो तरीके से दो पार्ट में कॉकरोच को पढ़ेंगे एक है मोर्फोलॉजी और एक है एनाटमी ठीक है yes. यस देखो देखो पहले मैं बेटा एनसीआरटी की कुछ बहुत ही जनरल बातें आपसे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताती हूं फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर लेक्चर लेकिन इस इंट्रोडक्शन पार्ट में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं आएगा ठीक है जब बेटा हम कॉकरोच की बात करते हैं और मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था बेटा अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ मैं भी शॉर्ट नोट्स ही बनाऊंगी पोथियां नहीं लिखनी है ये पोथियां लिखने का टाइम नहीं है बेटा यहां दिमाग में सेट करना है सारी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बनाए थे शॉर्ट में वैसे आप बना सकते हो और डायग्राम बेस्ड चीजें बना सकते हो ताकि लर्न होता जाए साथ के साथ ठीक है बट पोथियां मत लिखना ठीक है ना बहुत ही बढ़िया तो बेटा देखो कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो एनसीआरटी ने कॉकरोच इन जनरल कॉकरोच के कुछ फीचर्स दिए वैसे तो बड़े सारे मिलते हैं, लेकिन बहुत जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में है ना जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना भी है द मोस्ट कॉमनली फाउंड कॉकरोच इन इंडिया जिसके फीचर्स हमें पढ़ने बट ये जनरल फीचर्स कॉकरोच के बारे में कुछ दिए गए हैं पेरी पेरी प्लेनेटा अमरिकाना पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना काफी खूबसूरत सा नाम है बेटा हमारे घरों में पाए जाने वाले कोनों पे किचन रात को जब आप सो जाते हैं तो आपके घरों में निकलते हैं जो प्राणी वो है आपके बेटा कॉकरोच अलग अलग जगह पे डिफरेंट कलर कलर्ड कॉकरोच भी मिलते हैं जैसे ब्राइट येलो लाल रंग का ग्रीन कलर का लेकिन हमारे ये जो पेरी प्लेनेटा अमरिकाना की हम बात कर रहे हैं ये ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का होता है, है ना थोड़ा डार्क ब्राउनिश कलर का दिखता है कॉकरोच ठीक है तो इतने वेराइटी ऑफ कलर्स आपको दिख सकते हैं यूजली कॉकरोचेस के जो साइज होते हैं इंचेस में आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है कि वन बाई फोर से लेके थ्री इंचस तक इनका साइज वेरी करता है ठीक है जिसको सेंटीमीटर में दिया हुआ पॉइंट सिक्स से 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है ये जनरल कॉक्रोचेस के बारे में दिया हुआ है इसके बाद में पेरी प्लानिटा अमेरिकाना पे भी आऊंगी जो पेरी प्लानिटा अमेरिकाना के बारे में दिया हुआ है ये जनरल दिया हुआ है ठीक है ठीक है बेटा मुझे एक बात बताओ ये सारी बातें सबको पता होगी क्योंकि एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं तो अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है कौन से किंगडम से बिलोंग करता है एक बार बता दीजिए बच्चों एक बार बता दीजिए बच्चों कौन से किंगडम से बिलोंग करता है विच किंगडम विच फाइलम एंड विच क्लास हालांकि बेटा

आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है कोई बताएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और बेटा अगर मैं इसकी क्लास की बात करूं तो इसकी क्लास बहुत हाई क्लास होती है इंसेक्टा होती है क्यों इंसेक्टा बोलते हैं बेटा हर जगह पाए जाते हैं तुम ना मिलोगे हर जगह लेकिन बेटा धरती खत्म हो जाएगी खत्म नहीं होते हैं इतनी इतनी इनकी सर्वाइवेबिलिटी इतनी मस्त है इतनी अच्छी है तगड़ी है क्यों इसीलिए तो लार्जेस्ट फाइलम भी है बेटा आर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम इसीलिए बना क्योंकि उसमें भरे पड़े हैं बेटा इंसेक्ट्स कुछ तो बेटा इंसेक्ट्स कमेंट सेक्शन में भी होते हैं जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं बट वैसे तो कॉकरोच इंसेक्ट है राइट कुछ सपोले हैं हमारी चैट बॉक्स में कुछ इंसेक्ट्स है हमारी चैट बॉक्स में ज्यादातर मैमल्स हैं राइट right? तो अगर मैं बेटा जॉइंटेड अपेंडजेस जॉइंटेड अपेंडजेस के आर्थरो का मतलब होता है जॉइंटेड पौड़ा का मतलब होता है अपेंडजेस राइट इंसेक्ट्स बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम में इतने ज्यादा भरे पड़े होते हैं इसीलिए ये लार्जेस्ट फाइलम बन जाता है क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है कॉकरोच राइट right? समझ आ गई बात बेटा यस yes. अब अगर मैं बात करूं बेटा इसकी बॉडी की इसके शरीर की

थोरैक्स एंड एबडोम राइट इंसेक्टा से बिलोंग करता और इसी के बारे में बेटा हमें मोर्थोलॉजी में डिटेल में पढ़ना हैक्रोच के बारे में बेटा हमें पढ़ना है वो कॉकरोच है हमारा पेरी प्लानिटा अमेरिकाना यह मैंने एग्जैक्ट एनसीआरटी की लाइन लिखी हुई है बिल्कुल भी इस लाइन को आप इग्नोर नहीं करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है पेरी प्लानिट अमेरिका ना जो हमारे घरों में आमतौर पर पाए जाने वाला कॉकरोच है आ, जो तुम्हारे किचनों में पाया जाता है किचनों में मम्मियों के है ना दे, इसकी बेटा लेंथ एनसीआरटी में दी हुई है थ्री फोर फाइव थ्री ऐसे याद रख सकते हो थ्री फोर फाइव लगातार है ना थ्री फोर फाइव और फिर थ्री तो थर्टी फोर से फिफ्टी थ्री एम एम लॉन्ग विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एबडोम इन मेल्स हूं अभी ये मैं अभी समझाऊंगी कॉकरोच के पंख देखे हैं सबने कॉकरोच के पंख देखे हैं सबने यस yes. एक बात बताओ कॉकरोच के पंख देखे हैं सबने क्या कॉकरोच को उड़ते हुए देखा है सबने क्या कॉकरोच को भागते हुए देखा है सबने क्या कॉकरोच को देखा है सबने सबने देखा होगा बेटा कई लोग तो कॉकरोच को देखते खुद बेटा उड़ने लगते हैं ठीक है एक्चुअली में अगर आप कॉकरोच को देखो वो उड़ सकता है लेकिन तुम्हें आसमान में उड़ता हुआ नहीं नजर आता मतलब की

इनमें सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म पाई जाती है या नहीं ये आप मुझे बताइए पहले ये आप मेरे को पहले बताइए ठीक है आप मुझे पहले बताइए फिर मैं आपको बेटा एक डायग्राम के थ्रू अभी आपको समझा रही हूं तो बोला इसकी लेंथ इतनी और मेल के केस में जो उनका विंग होगा ना बेटा उनके एबडोम से ज्यादा लंबा होगा फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता और भी डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में जो मैं अभी आपको बताऊंगी पर आप मुझे पहले बताइए क्या कॉक्रोचेस में सेक्सुअल डायमोर्फिज्म मिलती है और होती क्या है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ही शानदार माय आर्मी वेरी वेरी गुड मेरे जग से न्यारे बच्चे कह रहे हैं यस मैम अभी आपने बोला यस यस एब्सोल्युटली इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल सेपरेट है मेल एंड फीमेल सेपरेट है मतलब कि अभी मैं समझा रही हूं इसका मैं और मतलब समझा रही हूं इंडिविजुअल्स है है ना अगर आप बेटा क्या देखोगे अर्थवम देखोगे तो अर्थवम में एक ही एनिमल के अंदर एक ही अर्थवम के अंदर अगर उसको आप खोल के देखोगे चीर के देखोगे तो कॉकरोच के अंदर बेटा आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों दिखते हैं उनमें सेक्सस सेपरेट नहीं होते है ना एक कॉकरोच को अगर तुमने पकड़ के काटा सॉरी एक अर्थवम को पकड़ के काटा अर्थवम को काटा है कभी मैंने तो जुआलॉजी जब मास्टर्स करी थी तो बी में हमने कॉक्रोच भी काटा है बेटा ये भी काटा है तुम तो बेटा सीधे इंसान काटोगे मतलब इंसान मतलब समझ रहे हो ना मतलब हाँ ठीक है तो आप अगर अर्थवम को खोल के देखोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मिल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मिल रहे हैं उनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते लेकिन बेटा अर्थवम में तो नहीं होते लेकिन इनमें सेक्सेस सेपरेट है इनमें सेक्सेस सेपरेट है एक बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल जो है वो मैं आपको अभी बताती हूं ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया अभी जिसको आपको बनाना नहीं है ऐसा कुछ एनसीआर में बना हुआ डायग्राम इसको आपने बनाना नहीं है बेटे, इतनी कलाकारी नहीं, मत करो सिर्फ मुझे एक बताते जाओ इसकी लेबलिंग क्या क्या है ठीक है ऐसा डायग्राम मैंने पहले से इसलिए बना के रखा है क्योंकि आपको बनाना नहीं है, है ना अगर मैं बेटा कॉकरोच के यूजुअल बॉडी को देखो जैसे मैंने बोला कि हेड और एब्डोमन में आप डिवाइड कर सकते हो ऐसी कुछ शक्ल दिख रही है कॉकरोच की ये जो बेटा आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे बोलते हैं एंटीने सेंसरी स्ट्रक्चर होता है ये इनकी बेटा कंपाउंड आइज जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है आगे दीज आर आइज है ना जो मैं बोल रही थी बेटा पंछी बनू उड़ती बिर मस्त गगन में इतने ज्यादा तो उड़ते नहीं है गगन में लेकिन जितना भी उड़ते हैं वो विंग्स की मदद से उड़ते हैं तो आपको दो तरीके की इनमें विंग्स मिलती है जो मैं आगे आपको बेटा डिटेल में बताऊंगी आप एक बार फिर भी बेटा एनसीआरटी की हर एक चीज को एक बार भी देखते हुए चले ठीक है कुछ भी छोड़े दे, मत देखते हुए चले बनाओ भले ही मत ये फोर विंग हो गया बेटा ये हाइंड विंग हो गया है ना जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों ठीक है बेटा ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है इसीलिए मैं आपको लेबलिंग बता रही हूं क्योंकि कभी कभी चांस अगर बेटा आपको डायग्राम दे दे तो आप गलती मत करो छोटी से छोटी चीज को भी आप छोड़ के मत जाओ एनसीआरटी में जो दिया हुआ है भले आपको लगेगा एवे ही सा डायग्राम है इससे कौन ही देगा सवाल बट देता है देता है बेटा सवाल देते हैं ये क्या लेबल किया हुआ है एनसीआरटी में ये क्या लेबल किया हुआ है एनसीआरटी में एक बच्ची का आंसर आया बहुत तेज चला गया बहुत सारे लोग प्रोथोरैक्स लिख रहे हैं देखो प्रोथोरैक्स तुम कह सकते हो लेकिन प्रोथोरैक्स की एक कवरिंग को दिखाया हुआ है प्रोथोरैक्स के ऊपर एक काइटीन्यूस कवरिंग को एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटा पेशेंस के साथ में सुनना ठीक है इसे प्रोनोटम कहा हुआ है तो छोटी मगर मोटी बातें हैं बेटा कभी कभी पूछ ली जाती है आपको ध्यान से सुनना है ठीक है प्रोनोटम मैं आगे लिखवाऊंगी भी कि ये प्रोथोरैक्स जो आप बोल रहे हो ना थोरैक्स के तीन हिस्से होते हैं सब कुछ बताऊंगी मैं उसमें प्रोथोरैक्स की कवरिंग होती है ठीक है बेटा ये इसके क्या है ये इसके टांगे हैं ये इसके लेग्स है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे ठीक है अब बेटा जी अब बेटा जी मेरे को एक चीज और बताओ अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कि इस कॉकरोच के पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एनल सरकाई बोल रहे हैं जिसको हम एनल सरकाई बोल रहे हैं अगर मैं कहूं कि इन कॉकरोच के पास सिर्फ और सिर्फ एक एनल सरकाई नाम की चीज है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एक महिला कॉकरोच है या पुरुष कॉकरोच है बता सकते हैं आप जल्दी बताओ यस अगर मैं बोल रही हूं कि इस कॉकरोच के पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं एनल सरकाई बोल रही हूं सेगमेंटेड होता है पीस 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 टुकड़े 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 आपस में जुड़े होते तुकुड हैं तो क्या ये एक पुरुष है या महिला है जल्दी बताइए यस यस वुमेन बच्चे लिख रहे हैं यस yes. बेटा ये मेल कॉकरोच कतई नहीं है ये मेल कॉकरोच कतई नहीं है ये फीमेल कॉकरोच कतई नहीं है अच्छा बच्चे लिख रहे हैं मेल बच्चे लिख रहे हैं फीमेल बेटा मैंने देखो आप आप सही बोल रहे हो कि मेल में भी एनल सरकाई होता है फीमेल में भी एनल सरकाई होता है बट मैंने आपसे पूछा सिर्फ और सिर्फ एनल सरकाई है मैंने ये नहीं बोला आप कह रहे हो बोथ भाई ये एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में होता है बट मैं कह रही हूं इन पर्टिकुलर डायग्राम में आपको एनल स्टाइल्स नहीं बनाए हुए तो ये क्या होगा ये फीमेल है ये फीमेल है समझ आ रही है बात क्या सबको मेरी बात समझ आई दीज आर दी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स हालांकि ये मेल फीमेल दोनों में होते हैं बट अगर आपको ऐसा एक डायग्राम दिया जाए जिसमें सिर्फ एनल सरकाई बनी हो तो ये फीमेल होगी ये मेल नहीं होगी समझ आ गई बहुत सारे बच्चे बोध बोल रहे थे पूजा बेटा इसीलिए है ना तो आप लिखेंगे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन टेंथ सेगमेंट यहां पे इसके बारे में लिख लो इन बोथ मेल एंड फीमेल इन बोथ मेल एंड फीमेल मेल फीमेल दोनों कॉकरोच में मिलता है ठीक है लेकिन बेटा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में आप लिख रहे थे जो नाइन्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और सिर्फ और सिर्फ मेल्स के पास होता है और बेटा इससे नीट में सवाल आया है इससे नीट में सवाल आया है तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों एनल स्टाइल्स क्या सबको चमक रही है बात ये एवरीबॉडी आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इसे बोलते हैं बेटा एनल स्टाइल्स नीट का सवाल है यहां से बना हुआ या फिर कॉर्डल स्टाइल जो मेल और फीमेल दोनों कॉकरोचेस सॉरी जो सिर्फ और सिर्फ आई एम सो सॉरी जो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जाता है ओनली इन मेल समझ आ गई बात समझ आ गई बात, yes बेटा मैं बार बार बता चुकी हूं अर्थवम आपके सिलेबस में नीट के नहीं है ठीक है yes everybody, clear है यहां तक yes everybody, clear है तक? बेटा यहां तक क्लियर है आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए ये बेसिक डायग्राम समझ में आया बेटा हम हेड के बारे में अलग से पढ़ेंगे थोरैक्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे एबडोम के बारे में अलग से पढ़ेंगे ठीक है स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये देखिए मैंने कहा था ना कि सेक्सुअल डाइमोर्फिज दिखती है मतलब अगर तुमने एक कॉकरोच को उठाया ना बेटा और उसके पूछ को पूछ को नहीं एबडोम को उठा के देखा एबडोम में अगर तुम्हें एनल सरकाई और एनल स्टाइल दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो बधाई हो मेल हुआ है और अगर सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको क्या दिख रहे हैं एनल सरकाई तो बधाई हो क्या हुई है फीमेल क्लियर है ना बेटा कोई गलती तो नहीं करोगे कोई गलती तो नहीं करोगे मेल में आप लिखोगे बोथ एनल स्टाइल एंड सरकाई प्रेजेंट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेटा बात मैंने आपको बताई ओनली एनल सरकाई क्लियर है ये सभी को यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी डन 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 बेटा डन डना डन डन एक बार मेरे को बता दो आप ना बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाओ मैं साइड जाती हूं नोट्स नोट्स बेटा शॉर्ट शॉर्ट बनाओ फटाफट सेन ये मैंने एक पॉइंट लिखा है कुछ ग्लैंड्स भी ऐसी होती है जो सिर्फ मेल्स में पाई जाती है फीमेल्स में नहीं ऑब्वियस सी बात है बेटा हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो चलेंगे डन माय आर्मी यस एवरीबॉडी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मेरे सपोलो सपोलो को कॉकरोच के बारे में पढ़ के कितना मजा आ रहा है देखो बेटा हम क्या करने वाले ना हम कॉकरोच को दो हिस्सों में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट एनाटॉमी वाला पार्ट है एनाटॉमी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम सेंसरी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे एनाटॉमी में दो सिस्टम्स थोड़े ज्यादा डिटेल दिए हुए एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी सारे सिस्टम है। है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी से और जब मैं आपकी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करती हूं जब मैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करती हूं तो सबसे पहले बात आती है बेटा कॉकरोच की एग्जो स्केलेटन से आप हेडिंग डालेंगे हम हम की की बात कर रहे है हम कह रहे हैं हैं बेटा क्यों कह कि भैया कॉकरोच अच्छा 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 एक चीज मैं आपको बताना भूल गई जो हम स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है बेटा मैं यहां पे लिख देती हूं एक चीज छूट गई है यस यस बेटा देखो क्रोच रात में एक्टिव होते हैं या दिन में एक्टिव होते हैं दो तीन पॉइंट छूट गए लिखवा देती हूं आप मुझे बता दो फटाफट से करते हैं कॉक्रोच रात में एक्टिव होते, होते हैं रातों में निकलते हैं ना घरों में। हम कैसे एनिमल्स हैं देखा जाए तो हम दिन में एक्टिव वाले एनिमल्स है वो अलग बात है कि हमने अपना पूरा बायोलॉजिकल रिदम गलत किया हुआ है ना हम रात में एक्टिव हो जाते हैं बट वैसे बेटा माना जाए तो हम क्या है हम डायर एनिमल्स होते हैं हम कैसे होते हैं बेटा हम दिन में एक्टिव होते हैं लेकिन कॉकरोच भाई साहब क्या होते हैं बेटा कॉकरोच रात में एक्टिव होते हैं तो कॉकरोच को नॉक्टर्नल बोला जाता है नॉक्टर्नल का मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट तभी तो बेटा या वो एड भी तो आता है ना हिट वाला जो है, हिट का ही एड आता है ना कि रातों में निकलते हैं है ना यस yes? नॉक्टर्नल सब कुछ खा सकते हैं बेटा कोई नखरे नहीं है अपनी मम्मी को नहीं बोलते अह मम्मी लॉकी बना दी तुमने ऐसा इनका कोई नखरा नहीं होता है बेटा दे कैन ईट एवरीथिंग सब कुछ खाते हैं बेटा तो ये क्या होते हैं बेटा ओमनीवोरस ओमनीवोरस बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना है ओमनीवोरस होते हैं बच्चों प्रॉपर ठीक है फास्ट रनर्स होते हैं तुम जैसे कॉकरोच को देखोगे कॉकरोच तुमको देखेगा बेटा कॉकरोच भागेगा तेजी से अपने टांगों का यूज करके रन करता है फास्ट रनर होता है ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है करसोरियल करसोरियल का मतलब होता है बेटा फास्ट रनर ठीक है ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया और बेटा और बेटा कॉकरोचेस हाँ, गीले गीले एरियाज़ में रहते हैं डैम्प एरिया में आपको यूजुअली पाए जाएंगे डैम्प मतलब गीले एरिया में बेटा पाए जाते हैं ठीक है दैट्स इट कुछ बेटा जनरल बातें थी जो छूट गई थी हमने कवर कर ली ठीक है ना समझ आ गई बात अब मैं मॉर्फोलॉजी में वापस आती हूं अब मैं मॉर्फोलॉजी में बेटा वापस आती हूं ठीक है ना बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार बच्चों सही जा रहे हो अब बेटा देखो मैं कह रही हूं कि इतनी बढ़िया तरीके से सरवाइव क्यों करते हैं एक तो बेटा कोई नखरे नहीं है कि मैं लौकी नहीं खाऊंगी मैं टिंडे नहीं खाऊंगी सब खाते हैं बेटा और उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उनके पास एक बॉडी सूट होता है देखा जाए तो कवरिंग होती है आपको पता है आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा हुआ है बेटा काइटिन के बारे में काइटिन के बारे में पढ़ा है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ ठीक है फर्स्ट मोस्ट सबसे सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है किसी को अगर बायोमोलिक्यूल याद है डरने का नहीं है बायोमोलिक्यूल्स भी रिवाइज कराया जाएगा सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ काइटिन ठीक है ना यस yes. फर्स्ट क्या होता है कोलेजन रिया का सही आंसर आया है. ठीक है कोलेजन फर्स्ट होता है बट एनीवे वे अगर मैं इसकी बेटा बाहर की कवरिंग की बात करूं तो इसकी जो एक्सोसिटन होती है वो क्या होती है वो काइटिनस होती है बहुत ही हार्ड होती है होती है मतलब मेड ऑफ काइटिन मेड अप ऑफ काइटिन सैकराइड होता है ये एक आप पढ़ोगे इनके बारे में बायोमोलिक्यूल में अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ठीक है यस तो काइटिन का बना होता है ठीक है काइटिन का बना होता है ठीक है बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनो बिल्कुल ध्यान से प्यार प्यार से समझते जाओ बेटा हम एनिमल किंगडम में तीन फाइलम्स ऐसे बोलते हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है कोई मुझे याद दिला सकता है देर आर थ्री फाइलम्स विच इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड नंबर वन आर्थ्रोपोडा सॉरी नंबर वन एनलीडा नंबर टू आर्थ्रोपोडा नंबर थ्री कॉर्डेट्स डीज आर हैविंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन मेटामियर्स भी बोलते हैं ठीक है अगर मैं इसके हर एक सेगमेंट को देखूं बेटा कॉकरोच के आपको एनसीआरटी के डायग्राम में भी दिख रहा होगा ना एक एक सेगमेंट एक एक सेगमेंट हर एक सेगमेंट के ऊपर हर एक सेगमेंट के ऊपर सबाश बच्चों, बहुत सही बहुत सही एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा ठीक है

ऊपर की तरफ भी उसकी हार्ड स्केलेटन है साइड में भी उसकी हार्ड स्केलेटन है और नीचे की तरफ भी बेटा उसकी हार्ड स्केलेटन है मेरे को ध्यान से देखो बेटा कॉकरोच ऐसे 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 चल चल रहा रहा है है कॉकरोच तो ये उसका एक सेगमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सेगमेंट है उसके पास कितने हैं मैं बताऊंगी अभी तो उसके सेगमेंट के ऊपर बेटा हार्ड काइटिन की कवरिंग होती है हर एक सेगमेंट के ऊपर जो काइटिन की कवरिंग होती है उसे बोलते हैं स्क्लेराइट क्या बोलते हैं बेटा उसे सबाश डांस विद संजना वेरी गुड बेटा वेरी गुड उसे बोलते हैं बेटा स्क्लेराइट क्या मेरी बात सारे बच्चे समझ पा रहे हैं तो स्क्लेराइट फिर स्क्लेराइट स्क्लेराइट फिर फिर स्क्लेराइट समझ आ रही है बात क्या सबको समझ आ रही है स्क्लेराइट क्या है स्कलेराइट हरेक सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट काइटिन की कवरिंग को बोला जाता है ठीक है ना ठीक है ना बेटा यस

क्या सारे बच्चे इमेजिन कर पा रहे हैं बच्चों यस yes? यस yes? सारे बच्चे इमेजिन कर पा रहे हैं दिस इज कॉकरोच का dorsal साइड दिस इज कॉकरोच का वेंट्रल साइड और दिस इज कॉकरोच का साइड lateral वाला साइड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बच्चों सबाश मैं कह रही हूं कि अगर मैं देखूं तो exoskeleton के बाद मैं लिखूंगी ईच सेगमेंट chitinous प्लेट काइटिनस प्लेट जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों शाबाश बहुत ही बढ़िया जा रहे हो बच्चों और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क करना है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा स्क्लेराइट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा स्क्लेराइट बोलते हैं स्क्लेराइट बोलते हैं शाबाश बहुत सारे बच्चों का सुचाना का जीनत का आ, आंसर भी आ रहा है शुभम का वेरी गुड बेटा अगर मैं स्क्लेराइट को ऑब्जर्व करूं तो देखो 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 कैसे समझा सकती हूं मैं जैसे बेटा ये कॉकरोच का क्योंकि बेटा 3D को 2D में बना रही हूं तो थोड़ा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा है ना पर तुम इमेजिन कर पाओगे जैसे मेरे को देखो एक बारी ये ये एक सेगमेंट ये दूसरा सेगमेंट ये तीसरा सेगमेंट यानी ये एक स्क्लेराइट ये दूसरा स्क्लेराइट ये तीसरा स्क्लेराइट अगर मैं हर एक स्क्लेराइट को ऑब्जर्व करूं पहले सेगमेंट के स्क्लेराइट को अगर ऑब्जर्व करूं तो वो चार चीजों के मिलने से बना है। उसके ऊपर वाली प्लेट को हम बोलते हैं टर्गा या टर्गम उसके नीचे वाली प्लेट को बोलते हैं हम स्टरना या स्टरनम और उसकी साइड वाली को हम बोलते हैं प्लूरा क्या सारे बच्चे समझ पा रहे बेटा एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है बेटा है ना हर एक स्क्लेराइट को अगर मैं देखूं तो ऊपर वाली स्क्लेराइट को बोला टरगा या टरगम नीचे वाली स्टरना या और वाली को बोला बेटा प्लूरा समझ आ रही है बात यस yes, एवरीबॉडी बहुत शानदार बेटा बहुत ही बढ़िया अब देखो बेटा मैं इसी को बना रही हूं जैसे कि ऊपर वाली को डोरसल साइड वाली को नीचे यहां पे बनाते हैं डोरसल साइड वाली को बोला बेटा क्या टर्गा या टर्गम वेंट्रल साइड वाली को बोला बेटा स्टर्ना या स्टर्नम और लेटरल साइड वाली को बोला बेटा प्लूरा क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ऐसे बेटा एक स्क्लेराइड बना इन द सेम वे दूसरा स्क्लेराइड बनेगा इस तरीके से यस yes, एवरीबॉडी सब कोई इमेजिन कर पा रहे हैं है ना बढ़िया है इमेजिन कर पा रहे हो यस यस एवरीबॉडी बहुत ही बढ़िया बेटा शानदार बहुत ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया इसको मैंने बोला टर्गम ये कहां पे है बेटा यह है डोरसल साइड पे यह क्या है बेटा प्लूरा यह कौन से साइड पे है लेटरल तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में आंसर दो कि एक स्क्लेराइट को बनाने के लिए एक स्क्लेराइट को बनाने के लिए कितने टर्गम कितने प्लूरा और कितने स्टर्नम यूज होते हैं आप बताइए कमेंट्स में आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि एक स्क्लेराइट को बनाने के लिए कितने टर्गा कितने प्ल्यूरा और कितने स्टर्नम सवाज साक्षी सवाज यश यश वेरी गुड शिवांगी वेरी गुड काशेश आदिति वेरी गुड अगर मैं बोलू एक स्क्लेराइट बनता है एक टर्गम एक स्टर्नम और साइड में दो प्ल्यूरा। बहुत ही बढ़िया बेटा सवाश वेरी गुड वेरी गुड लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉकरोच एकदम स्टिफ हो जाता है बेटा एकदम टाइट 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 टाइ, नहीं होते कि वो ऐसे अकड़ के चले नहीं बेटा उसकी स्क्लेराइट जो होती हैं वो आपस में जो है उनकी जो स्क्लेराइट्स होती हैं बेटा वो आपस में बेटा किससे कनेक्टेड होती हैं इसकी जो स्क्लेराइट्स होती हैं बेटा वो आपस में किससे कनेक्टेड होती है एक फ्लेक्सिबल से कनेक्टेड होती है एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है जिस मेम्ब्रेन को बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, बहुत ही बढ़िया, आर्टिक्यूलेटिंग बढ़िया। मेम्ब्रेन भी बोला जाता है आर्टिक्यूलेट करने का मतलब होता है जोड़ना आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है जोड़ना आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है जोड़ना ठीक है इसके बारे में हम क्या लिखे बेटा फ्लेक्सिबल मेंब्रेन फ्लेक्सिबल मेंब्रेन कनेक्टिंग स्क्लेराइट्स कनेक्टिंग स्क्लेराइट्स कनेक्टिंग स्क्लेराइट्स ठीक है और यहां पे मैं क्या लिखूंगी कि डोर्सल साइड वाले बेटा स्क्लेराइट को क्या बोलते हैं डॉर्सल साइड वाले स्क्लेराइट को बोलते हैं ट्रगा या टर्गम ठीक है वेंट्रल साइड वाले को बोलते हैं स्टर्ना या स्टर्नम स्टर्ना या स्टर्नम ठीक है और लेटरल साइड वाले को बोलते हैं बेटा प्लिय क्या बेटा यहां तक किसी को कोई मौत आ रही है क्या कोई मौत आ रही है यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या जल्दी से बताओ एनी दुख दर्द समस्या टिल हियर एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताएंगे क्या यहां तक किसी को कोई मौत आ रही है या yeah, इजी है डन ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश मेरे बच्चों चमकेस ठीक है इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो मैं आगे बढ़ रही हूं ठीक है अरे भाई डट जा बेटा पहले पढ़ ले पहले नर्सरी पढ़ता है ना फिर फर्स्ट पढ़ता है सेकंड पढ़ता है कि पहले ही तू टेंथ का बोर्ड एग्जाम देने चला जाता है कैसी बातें कर रहा है चलो अब बेटा मैं अगर बात करूं इसके सेगमेंट्स की मैं अभी क्या कह रही थी सेगमेंट्स सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और बहुत आसानी से आप याद रख लोगे बहुत इजी है बहुत इजी है देखो आगे जब मैं कॉकरोच की डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कॉकरोच में मेटामोरफोसिस होती है क्या होती है मेटामोरफोसिस सब बताऊंगी लेकिन आप लोगों ने भी बेटा देखे होंगे अगर अगर देखे तो होंगे ही बेटा कॉकरोच के ना बेटा एक तो बेबी कॉकरोच होते हैं छोटू छोटू से कॉकरोच और एक होते हैं बड़े बड़े कॉकरोच एडल्ट कॉकरोच है ना तो कॉकरोच के बेबी कॉकरोच उसका बोला जाता है निम्फ शक्ल दोनों की बेटा बिल्कुल बढ़िया होती है पता चल रहा होता है कि माँ बाप है माँ बाप है नहीं पता चल रहा होता है माँ और बच्चा है या बच्चा कौन किसका पापा मम्मी ये नहीं बोल रही हूं मैं मतलब निम्फ कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगी पर उनमें सेगमेंट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स एक एडल्ट कॉकरोच में और एक छोटू कॉकरोच में निम्फ कॉकरोच में डिफरेंट होता है एनसीआरटी में गिवन है बेटा हेड के बारे में तो स्पेशली थोरैक्स के बारे में स्पेशली इनफैक्ट एबडोम के बारे में भी दिया हुआ है तो सबके बारे में दिया हुआ है ठीक है अगर बेटा हम देखें हेड में निम्फ कॉकरोच के कितने सेगमेंट होते हैं कोई बताएगा एनसीआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन एनसीआरटी पे फोकस करो एनसीआरटी कहती है हेड बाय द फ्यूजन ऑफ हेड इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स तो छह सेगमेंट इसके बेटा निम्फल स्टेज में है एडल्ट में वो फ्यूज करके एक सिंगल सेगमेंट बनाता है ट्राइ अगर मैं की बात करूं तो निम्फ में भी तीन एडाल्ट में भी तीन सेगमेंट होते हैं अगर मैं की बात करूं तो निम्फ में बच्चों ग्यारह में बेटा होते हैं दस सेगमेंट क्या बात समझ आ गई यस क्या बात समझ आ गई यानी अगर टोटल लिखूं मैं तो यहां पर चौदह सेगमेंट हो रहे हैं और यहां पर कितने हो रहे हैं सिक्स सेवन एट नाइन और ट्वेंटी सही बोला सही बोला बेटा इतना याद रखना है मैं इंडिविजुअली हेड के बारे में पढ़ाऊंगी थोरैक्स के बारे में पढ़ाऊंगी के बारे में पढ़ाऊंगी इंडिविजुअली अभी पढ़ाऊंगी मैं आगे चमके से आता कैसे एवरीबॉडी क्लियर है मैं सबसे पहले आपको बेटा बताने जा रही हूं आपके प्रिय कॉकरोच के हेड के बारे में सर के बारे में एनसीआरटी में ऐसा सही एक डायग्राम दिया हुआ है और अगर आप बेटा सीरियसली बेटा मैंने तो कॉकरोच को बहुत पास से ऑब्जर्व किया है आप भी अगर देखोगे ना सच्ची बेटा उसका हेड सच में ट्राइंगर होता है लिटरली ट्राइंगुलर होता है ठीक है और अगर आप मेरे हाथ को कॉकरोच मानो और पाम को कॉकरोच का सर मानो तो कॉकरोच बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है कॉकरोच बहुत ही डाउन टू अर्थ इसीलिए क्योंकि बेटा कॉकरोच का जो हेड होता है वो बॉडी के परपेंडिकुलर होता है ध्यान से ये बातों को याद रखना है बेटा ये आपको इसीलिए इस तरीके से बताया जा रहा है ताकि आपको लेकिन NEET के एग्जाम में भी याद रहे हैं मैम ने थोड़ा फनी वे में आपको बताने की कोशिश की थी आपको याद होगा हेड जो होता है बेटा ट्राइंगुलर होता है और वो बॉडी के ऐसे परपेंडिकुलर होता है कोर्स वो थोरैक्स से नेक की मदद से कनेक्टेड है बट नीचे की तरफ उसका माउथ पार्ट जो है ना नीचे की तरफ धरती को फेस कर रहे होते हैं इस कंडीशन को हाइपोगिनाथस कंडीशन भी बोला जाता है और अगर मैं आपको दिखाऊं ना बेटा जैसे ये है ना ये कॉकरोच की मान लो बॉडी है ये कॉक्रोच की बॉडी है जिसमें थोरैक्स आता है जिसमें एबडोमन आता है और ये कॉकरोच का सर है बेटा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर और कुछ इस तरीके से बेटा उसके माउथ पार्ट नीचे की तरफ होंगे ठीक है दिस इज देड ऑफ कॉकरोच दिस इज देड ऑफ कॉकरोच दिस इज थोरैक्स दिस इज एबडोम ठीक है ना यस yes? यस yes? और अगर मैं कहूं कि हेड और थोरैक्स के बीच का एक कनेक्शन है एब्सोल्युटली मैम कनेक्शन है एक फ्लेक्सिबल नेक जिससे वो हर तरफ देख पाता है बेटा क्योंकि नेक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड कर रही है ठीक है तो हेड के बारे में अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूं इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बच्चों फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ अगर लिखना है तो वरना अगर नहीं लिखना है ना तो पॉइंट्स को रिवाइज करते जाओ दस बार बोलोगे तो बेटा चीजें रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगी ठीक है इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बच्चों इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फोर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ फॉर्मड बाई द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट छगमेंट के फ्यूजन से बना होता है ठीक है हेड इज परपेंडिकुलर टू बॉडी हेड इज परपेंडिकुलर टू बॉडी ठीक है और हाइपोग कंडीशन बोलते हैं हेड की गनाथों का मतलब बेटा जॉ माउथ से एसोसिएटेड होता है वैसे क्योंकि मतलब माउथ पार्ट्स जो है धरती की तरफ फेस कर रहे होते हैं माउथ पार्ट्स फेसिंग ग्राउंड फेसिंग ग्राउंड यहां तक कोई दुखदार समस्या ये डायग्राम को मैं जरा तुम्हें दिखा देती हूं ये डायग्राम को मैं जरा दिखा देती हूं बबली बेटा नीट का एग्जाम देना है कि पीजडी करनी है टर्गोस्टर्नल मसल्स के बारे में पूछ रही है पहले बोल रही हूं स्टिक टू एनसीआरटी क्या पढ़ के आयो कहां से पढ़ के आयो बेटा इट्स ओके वेरी गुड आपने जो भी पढ़ा है बट बेटा नीट का एग्जाम क्लियर करना है डॉक्टर लगाना है अपने नाम के आगे या फिर से अगले साल उम्मीद पढ़ना है बेटा कैसी बातें कर रही है आपका बेटा सिलेक्शन हम चाहते हैं आप मैम की बातें सुनिए बेटा मैं कभी आपका बुरा तो सोच के बोलूंगी नहीं बेटा यही सोच के बोलूंगी कि जो गलतियां हमने की है अपनी लाइफ में या मैंने अपनी प्रिपरेशन में करी है वो आप ना करो मैं बार बार यही बोलती हूँ बेटा ऑसिलाई क्या होता है ऑसिलाई इनका एक सिंपल आई होता है जो कि फंक्शनल नहीं होता है विजन के लिए काम में नहीं आता है बेटा विजन के काम में नहीं आता है देखने के काम में फंक्शनल आई इनकी कंपाउंड आइज होती है ये तो एक तरीके से वेस्टिजियल है ये किसी काम में नहीं आएंगी ठीक है ना ये किसी काम में नहीं आएंगे बच्चों ठीक है रिड्यूस सिंपल आई आर्यन बेटा बिल्कुल सही ऑसिलाई बोलते हैं फंक्शनल कौन सी आई है कंपाउंड आइज अब मैं आपको सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने वाली हूं जिसके हेड से रिलेटेड है बेटा दैट इज माउथ पार्ट बहुत सरल है बहुत इजी है माउथ पार्ट्स के बारे में हम शुरू कर रहे हैं जो इसी के हेड से रिलेटेड है ऑफ कोर्स बेटा ये आपको एंटीना भी दिख रहा है जो सेंसरी स्ट्रक्चर है 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 ना ये एंटीना भी दिख रहा इससे एसोसिएटेड अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं बेटा इसके माउथ पार्ट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसी तरीके का डायग्राम एनसीआरटी में दिया हुआ है right? राइट इसी तरीके का डायग्राम एनसीआरटी में दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है आप सबसे आसान तरीके से माउथ पार्ट्स को करिए बेटा पहली बात तो इसके माउथ पार्ट्स को कैसा माउथ पार्ट बोला जाता है बेटा बाइटिंग एंड चुइंग टाइप बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इसको कंपेयर करो बेटा किससे इसको मच्छर से कंपेयर करो मस्किटो से जब मस्किटो तुम्हें बाइट करता है मेरे शू के लेस खुल गए बेटा एक सेकंड रुकना परेशान कर रहा है मेरे को अगर बेटा मैं किसकी बात करूं अगर मैं मच्छर की बात करूं मस्किटो

बेटा देखो आप चाहे जितनी बार भी पढ़ो कुछ चीजें हैं जो हमें एक्सपीरियंस है कि बच्चे गलती करते हैं अपर लिप और लोअर लिप आपको सौ बार पढ़ा दिया जाए फिर भी आप उसके नाम में कंफ्यूज होते हैं कि अपर को लेबरम बोलते हैं कि लोअर को लेबरम बोलते हैं आप मेरी बातें बेटा याद रखो जो एग्जाम हॉल में गलतियां होती है ना मैं वो बता रही हूं एडिलिन रश इतना होता है ना कि बेसिक चीजें हमें याद नहीं आती इतना हमें डर लग रहा होता है तो डर को तो पहले बात बेटा हटाओ डरना तो बिल्कुल भी नहीं है इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है बेटा आप लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दोगे ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम है आपकी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा एग्जाम है ना तो डरना कुछ भी नहीं है सिंपल तरीके से याद रखो लेब्रम इज द अपर लिप बेटा ये सिंगल होता है बिल्कुल भी पेयर्ड नहीं होता और ये अपर लिप को आप कॉकरोच के कहते हैं और बेटा ट्रस्ट मी अगर कभी फ्यूचर में आप बाय चांस कभी कॉकरोच का डिसेक्शन करते हैं एग्जैक्टली exactly ये पीसेस ऐसे ही दिखते हैं बेटा एक्जैक्टली exactly ये पीसेस बेटा ऐसे ही दिखते हैं ठीक है तो लेब्रम बेटा अपर लिप कहलाता है और इनका लोअर लिप कहलाता है लेबियम इनका लोअर लिप कहलाता है लेबियम और ये लेबियम भी सिंगल होता है दिस इज द लोअर लिप दिस इज द लोअर लिप इनके पास भी बेटा एक जीभ होती है एक टंग होती है जिसे बोला जाता है हाइपोफेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स इज अगेन बेटा द टंग ऑफ कॉकरोच एंड दिस इज सिंगल दिस इज ऑल्सो सिंगल ठीक है ना फिर आती है इनकी बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर्स और पेयर्ड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं बेटा इनमें एक है इनका बहुत ही तेज तर्र धारीदार धारीदार चीजों को कट करने वाला एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं मैंडिबल अगर तुम तो मैंडिबल की शक्ल देखोगे तो ऐसा दिखता है बेटा ऐसा दिखता है देखो ये ग्राइंडिंग के लिए थोड़ा सा ग्राइंड करने के लिए हालांकि फूड की प्रॉपर ग्राइंडिंग तो बेटा प्रॉपर ग्राइंडिंग तो गिजार्ड में जाके होती है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी बट इसकी मदद से भी आप इमेजिन कर पा रहे हो इसकी धारियों को देख के इमेजिन कर पा रहे हो कैसे ग्राइंड कर रहा होगा है ना तो ये इसका ग्राइंडिंग एरिया है अगेन ये पेयर्ड है ये पेयर्ड है और एक और पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा जिसे बोला जाता है मैगजीले जिसे बोला जाता है बेटा क्या जिसे क्या जिसे बोला जाता है बच्चों दिस इज अगेन पेयर्ड अब डायग्राम पे भी बेटा थोड़ा सा ध्यान दो डायग्राम पे भी थोड़ा सा ध्यान दो एक सेकंड बेटा ये स्क्रीन बंद होने वाली है यार स्क्रीन बंद होने वाली है एक बार प्लीज चेक कर लो ठीक है बेटा इस डायग्राम पे भी जरा ध्यान दो यस yes? ठीक है लेब्रम की शक्ल अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आप कर सकते हो राइट को देख लो बेटा की शक्ल कैसी दिख रही है मैंडिबल्स को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे इसके पास बेटा ग्राइंडिंग एरिया होता है ग्रीन टी भिजवा देना प्लीज यार गिरीश ठीक है और अगर आप बेटा मैग्जिले को ऑब्जर्व करो ये पेयर स्ट्रक्चर है ये लंबे लंबे बेटा जो स्ट्रक्चर लिखने हुए हैं ना इन्हें बोला जाता है मैग्जिलरी पैल्प ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं।

टंग हो गया मैंडिबल्स हो गए मैक्सिले हो गया खत्म बेटा दैट्स इट ठीक है माउथ पार्ट फिनिश माउथ पार्ट फिनिश ठीक है डन डन आ डन 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 आ ठीक है आगे बढ़ जाए बच्चा पार्टी अब बात करते हैं बेटा हेड के बाद हेड की कहानी खत्म करके बेटा हम बात करते हैं इनके थोरैक्स एरिया की कितने थोरैक्स सेगमेंट है सांबा तीन प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत आसान से सवाल आएंगे बट इंपॉर्टेंट बहुत है देखो फटाफट से इसको हम ना बेटा एक डायग्राम में निपटा देते हैं इसको एक डायग्राम में ही निपटा देते हैं ये मैं इसके थोरैक्स के बेटा तीन सेगमेंट्स बनाने जा रही हूं बच्चों ठीक है थोरैक्स के तीन सेगमेंट्स में बनाने जा रही हूं ये हो गया प्रोथोरैक्स ये हो गया मीजोथोरैक्स और ये हो गया मेटाथोरैक्स ठीक है शाबाश बच्चों बहुत ही बढ़िया बेटा याद करते जाओ आप अगर लेक्चर के बाद भी बेटा इसी को रटने में बैठे हुए हो फिर तो कोई फायदा नहीं है ठीक है क्लास को इतने अच्छे से बेटा पढ़ो स्पेशली बायो को कि आपको 90 परसेंट क्लास में याद हो जाए फिर आप एनसीआरटी की रीडिंग डेफिनेटली करो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दो एक बार एनसीआरटी की रीडिंग कर लो थोरैक्स और मेटा थोरैक्स बेटा तीन आपको थोड़ा सेगमेंट दिखे देखो टांगे याद रखना मुश्किल नहीं है क्योंकि जितने थोरैक्स के सेगमेंट है उतनी टांगे हैं तो टांगे बच्चे गलती नहीं करते हैं कि लेग्स किस में प्रेजेंट है प्रोथोरैक्स से वन पेयर ऑफ लेग प्रोथोरैसिक लेग्स मेजोथोरैक्स से मेजो लेग, से मेजोथोरैसिक लेग्स लेग्स मेटाथोरैक्स मेटाथोरैसिक इसमें बच्चा कोई गलती नहीं करता है गलती कहां करता है बेटा विंग्स में क्योंकि ना विंग्स होती है सिर्फ टू पेयर तो बच्चे को यह याद नहीं रहता कि कौन सी दो थोरैक्स की सेगमेंट है जिससे विंग्स निकलती है राइट बच्चों तो देखो टांग तो याद रखना बहुत ही सरल है आप ऐसे याद रख लो ये रहा प्रोथोरासिक लेग्स ये रहा प्रोथोरासिक लेग्स ये रहा मीजोथोरासिक लेग्स बेटा टांगों में फर्दर पार्ट्स को याद नहीं रखना है एनसीआरटी में दिया नहीं है तो दैट इज नॉट नीडेड नॉट नीडेड एट ऑल दिस इज प्रोथोरासिक लेग्स मीजोथोरासिक लेग मेटाथोरासिक लेग्स बेटा इधर भी है टांगे इधर भी है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही तरफ का दिखा रही हूँ क्योंकि, क्योंकि जो बच्चे ना वो, वो, वो अलग ही महान होते हैं चलता है एक तरफ विंग से उड़ता है ऐसा नहीं है बेटा पेयर में है। थ्री पेयर ऑफ लेग्स तो अगर मैं लेग्स की बात करूं तो मैं क्या कह रही हूं बेटा थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स दौड़ता भी है जिसकी मदद से प्रोथोरैक्स से जो टांग निकलती है लेग्स प्रोथोरासिक लेग्स मीजोथोरैक्स से बेटा जो टांगे निकलती है मीजोथोरासिक लेग्स ठीक है ना मीजोथोरासिक लेग्स और बेटा जो मेटाथोर से निकलती है बच्चों उसे बोलते हैं मेटाथोरासिक लेग्स शॉर्ट एंड स्वीट दैट्स इट इसी तरीके से लिखो बेटा मेटाथोरासिक लेग्स समझ आ गई बात समझ आ गई बात अब विंग्स के बारे में बहुत सारे बच्चे बता रहे शिवानी वेरी गुड वेरी गुड ठीक है यस किटी तो हम बोलते हैं बेटा प्रोथोरैक्स में इनकी कोई विंग्स नहीं होती है प्रोथोरैक्स में इनकी कोई विंग्स नहीं होती है एक विंग निकली होती है बेटा जो इनके मीजो से निकलती है और एक विंग्स निकलती है बेटा जो इसके मेटाथोरैक्स से निकली होती है ठीक है अगर हम प्रोथोरासिक विंग्स को देखें तो उसके अलग 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 नाम मेंशन किए हुए एनसीआरटी में प्रोथोरासिक विंग्स को सॉरी 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 जो मीजोथोरासिक विंग्स हैं उसके लिए बहुत सारे नाम मेंशन किए हुए हैं प्रोथोरेसिक बोल रही थी मैं विंग्स uh, विंग्स को फोर विंग्स भी बोला जाता है इनको टेगमिना भी बोला जाता है और इनको एलिट्रा भी बोला जाता है ये डार्क होती हैं ये ओपेक होती हैं ये लेदरी होती हैं और ये उड़ने के काम में बिल्कुल भी नहीं आती लेकिन जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स हैं जिन्हें मैं मेटाथोरेसिक विंग्स बोल रही हूं उनकी जो ये विंग्स है ये बहुत ही हल्की ट्रांसपेरेंट होती हैं इनका कोई और नाम नहीं है बेटा कई बच्चे सोचते हैं टेगमिना फोर विंग्स का नाम है एलिट्रा हाइन विंग्स का नाम है नहीं बेटा टेगमिना एलिट्रा दोनों फोर विंग्स के नाम है जो मीजोथोरैक्स से निकलती है इसीलिए उसे मीजोथोरैसिक विंग्स बोलते हैं हाइन विंग्स बेटा किसी ने ड्रैगन फ्लाई देखी है ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई की कैसे पतली पतली सी ऐसी सी और वो दिवाली के टाइम पे भी एक वो आती है ना इंसेक्ट उसको भी अगर किसी ने देखा उसकी विंग्स कैसी होती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस वैसी दिखती है हाइंड हाइंड विंग्स विंग्स फोर सिर्फ प्रोटेक्ट करती है को द कॉक्रोच इज रेस्टिंग हाइंड विंग एक्चुअल में उड़ने का काम करती है राइट हेलीकॉप्टर बोलते थे पता है हम ड्रैगन फ्लाई को हेलीकॉप्टर हमारे हमको ऐसा बचपन में ना किसी ने झूठ बोला था कि अगर आप बेटा उस हेलीकॉप्टर के सर को काट के ना जमीन में गाड़ दोगे तो वहां से पैसे मिलते हैं कुछ भी बेटा पैसा कमाने के लिए कोई भी बच्चा कुछ भी कहानियां बना रहा होता है ठीक है तो एनी anyway, इसके बारे में लिख लिया जाए बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता बेटा पैसा सिर्फ बेटा मेहनत करने से मिलता है ठीक है चलो चलो इसके बारे में लिखेंगे बेटा दिस इज फोर विंग्स इसे कहते हैं फोर विंग्स ठीक है हां या फिर इसे बोलते हैं बेटा मीजो थोरासिक विंग्स मीजो थोरेसिक विंग्स ठीक है बच्चों और इसे बोलते हैं बेटा विंग्स उसके और भी नाम है ना टेगमिना टेगमिना या एलेट्रा टेगमिना या एलिट्रा इसे क्या बोला बच्चों हाइंड विंग्स ठीक है इसे बोला हाइंड विंग्स यस यस मैम आपने बताया था हमें क्लास में हाँ अर्जुनास को और लक्ष्यंस को तो बताया होगा हाइंड विंग या फिर इसे बोलते हैं मेटाथोरासिक विंग्स मेटाथोरासिक विंग्स अब इनके तारीफ में बेटा दो चार बातें हम यहां पे लिख सकते हैं कि दीज आर डार्क ओपेक नॉट यूज फॉर फ्लाइट उड़ने के काम में नहीं आ रही ओनली प्रोटेक्ट हाइंड विंग्स ओनली प्रोटेक्ट हाइंड विंग्स ठीक है ठीक है हाइंड विंग्स यूज फॉर फ्लाइट ठीक है एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट एंड मेमरी done, 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 yes, भी होती है ना लेदरी एवरीआरटी का कवर कर लिया है हमने ये yes, प्रोनोटम के बारे में अभी मैं बता रही हूं बेटा ठीक है प्रोनोटम के बारे में अभी मैं बता रही हूं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा सा सेगमेंट दिखाया हुआ है सेगमेंट का एक बड़ा सा बेटा प्रोथोरैक्स के ऊपर एक कवरिंग को दिखाया होगा इस तरीके से जिस कवरिंग को बोला जाता है प्रोनोटम सो so, प्रोनोटम इज द प्लेट जो प्रोथोरैक्स को कवर करके रखता है और एनसीआरटी में दिया हुआ है इसीलिए इसके बारे में हम लिख लेंगे ठीक है तो ये ग्रीन वाली चीज को मैंने क्या बताया बेटा इस ग्रीन वाली चीज को मैंने बताया प्रोनोटम दिस इज द प्रोनोटम स्टार मार्क कर लो एनसीआरटी की चीज है तो पूछी जा सकती है हार्ड कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स हार्ड कवरिंग ऑफ प्रोथोडैक्स बेटा इसका स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट से और एक बार मेरे को चार बॉक्स में बता दो एक ही जगह पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही आप भी शॉर्ट नोट बनाया करो डन डन एवरीबडी डन डनाडन डन 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 एवरीबडी यस शानदार बढ़िया समझ में आ रहा है ठीक है आगे बढ़े बेटा आगे बढ़ते हैं हम चलते हैं चलतेमन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम एबडोम की तरफ ये हो गया अब हम बात करते हैं इसके की स्टार मार्क बेटा मैं इसीलिए आप कहोगे कि मैम आप तो हर चीज को स्टार मार्क करा रहे हो क्योंकि एनसीआरटी पूरी ही स्टार मार्क है एनसीआरटी फालतू की चीजें ना पढ़ो तो एनसीआरटी की चीजें याद रखना बहुत और इसके बाद समाप्ति एक्सप्रेस चलेगा मॉर्फोलॉजी को मैं दो मिनट में रिवाइज करवाऊंगी ठीक है मॉर्फोलॉजी को मैं फटाफट फड़ से रिवाइज करवाऊंगी ठीक है दो मिनट में अब देखो बेटा एबडोम की अगर मैं बात करूं तो मेल हो या फीमेल मेल हो या फीमेल दोनों के पास टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं बेटा दस सेगमेंट्स होते हैं और मैं तुम्हें यह भी बता चुकी हूं कि उनकी अगर एबडोम को देखो तो एबडोम से आप ये पहचान सकते हो ठीक है नेहा बेटा नेक के बारे में मैंने हेड वाले पॉइंट में लिखवा दिया था कि नेक की मदद से हेड और थोड़ा जुड़े होते हैं फ्लेक्सिबल नेक मैंने लिखवा दिया था आपने ध्यान नहीं दिया ठीक है बेटा देखो मैं क्या कह रही हूं ना कि एबडोम की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये बताया दोनों सेगमेंट से बने और उसकी तो उसके को अगर देखो तो पहचान सकते हो कि बधाई हो कौन हुआ है है ना इनर स्टाइल्स नाम की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कॉप्युलन uh, में ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स हेल्प भी करती है मेल्स को फीमेल के अंदर की ट्रांसफर करने में जो मैं बताऊंगी भी और एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ नाइन सेगमेंट में होती है नाइन सेगमेंट में भी नाइन स्टर्नम में होती है बट एनसीआर ने स्टर्नम वर्ड यूज नहीं किया है एनसीआरटी ने कहा नाइन सेगमेंट में होती है एनल स्टाइल और ये सिर्फ मेल कॉकरोच में है और फीमेल में एनल एनल स्टाइल नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ एनल सरकाई होता है एनल सरकाई मेल फीमेल दोनों में ये तो मैं बता चुकी हूं आपको लेकिन यहां पे मैं बेटा आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी लेकिन क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं वो ऑलरेडी कॉकरोच को एक दो बार पढ़ चुके हैं तो उनके लिए समझना बहुत आसान होगा उनके लिए समझना बहुत आसान होगा ठीक है यस yes, यस yes. अब देखो बेटा हमने कहा कि मेल हो या फीमेल दोनों के एबडोमन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे बोलते हैं जेनाइटल पाउच जिसे बोलते हैं जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेंबर ठीक है वैसे जेनाइटल पाउच ही कहो क्योंकि जेनाइटल चेंबर इज अ पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच तो आप फिलहाल जेनाइटल पाउच लिखिए अगर मैं कह रही हूं बेटा जेनाइटल पाउच और मैं पूछू किस में है आप कहोगे कि मेल में भी है फीमेल में भी है फिर मैम डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है बेटा कि मेल्स में जेनाइटल पाउच को बनाने वाले सेगमेंट्स अलग होते हैं फीमेल्स में फीमेल पाउच को बनाने वाले सेगमेंट्स अलग होते हैं मेल के के केस में पाउच अंदर तुम्हें अलग स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग दिखती है फीमेल में जेनाइटल पाउच के अंदर तुम्हें अलग स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग दिखती, दिखती है बस इतनी सी बात है ठीक है अब बेटा जरा देखो अगर मैं कहूं जेनाइटल पाउच की बात तो फीमेल के केस में इट इज फॉर्म्ड बाय किसी को याद है तो बता भी सकते हो इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एनसीआरटी बेस्ड प्लीज बेटा ये छोटी छोटी बातों को याद रखो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेवेंथ एथ एंड नाइन्थ स्टर्नम सेवेंथ एथ एंड नाइन्थ स्टर्नम तीनों स्टर्नम है ध्यान देने वाली बात तीनों स्तर नाम है सेवेंथ एट नाइन स्तर सबाज बच्चों सबाज दामिनी अशोक शांवी वेरी गुड वेरी गुड प्रदीप यस वेरी गुड श्रेया सेवेंथ एट नाइन स्टर्नम के फ्यूजन से बनता है और इनफैक्ट एनसीआरटी कहती है कि फीमेल्स का जो सेवन स्टर्नम होता है इसका शेप भी एनसीआरटी ने दिया हुआ है कि इट हैज बोट शेप इट इज बोट शेप्ड क्लियर है एनसीआरटी ने ये भी कहा है बच्चा पार्टी Yes, yes. लेकिन अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में भी जेनाइटल पाउच है जैसे कि फीमेल में है बट मेल्स केस में जो होता होता है, है, के केस में जो जेनाइटल्थ के ध्यान देना बेटा मैं क्या लिख रही हूं इट इज फॉर्म्ड बाय इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ किसी को पता है तो लिख भी सकता है फ्यूजन ऑफ नाइन्थ

प्लस नाइन स्टरना सिर्फ यहां तक मामला खत्म नहीं होता बेटा बस एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि अगर मैं फीमेल्स के जेनाइटल पाउच की बात करूं तो इनमें एनसीआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे एनसीआरटी ने यहां पे मेंशन किया है इसमें तीन चीजों की आपको ओपनिंग दिख रही है जो मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पर दोबारा दिखाऊंगी इसमें आपको तीन स्ट्रक्चर की ओपनिंग दिखती है इट कंटेन्स ओपनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ कोलेट्रियल ग्लैंड फीमेल में ग्लैंड होती है बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड जिसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताऊंगी भी आगे कोलेट्रियल ग्लैंड स्पर्मैथिकल पोर अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है ना तो उसको लगेगा कि नाम उसे पता नहीं है बट बेटा आई प्रोमिस लेक्चर के एंड तक अगर आप बने रहे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आप अटेंड करोगे ना तो आपको मैं पक्का से पक्का से दिखाऊंगी भी आपको याद हो जाएगा पक्की बात पक्की बात अभी घबराना नहीं ठीक है स्पर्माथिकल पोर एंड फीमेल जोनाइटल पोर जिसे फीमेल गोनोपोर भी बोला जाता है जिसे फीमेल गोनोपोर भी बोला जाता है इन द सेम वे अगर मैं मेल्स में देखू अगर मैं मेल्स में देखू अगर मैं मेल्स में देखू ठीक है तो मेल्स में बेटा किस किस चीज की ओपनिंग दिखती है मेल्स में किस किस चीज की ओपनिंग दिखती है इट कंटेन डोरसेल एनस और ये भी याद रखना है कि एनस डॉर्सल है या वेंट्रल है क्योंकि आप इतनी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और सवाल देते हैं कि डॉर्सल एनस है या वेंट्रल एनस है एनस डॉर्सल साइड पे होता है वेंट्रल साइड पे होता है मेल गोनोपोर वेंट्रल साइड पे होता है बेटा मेल गोनोपोर और इसके अलावा आपको कुछ हार्ड काइटिन के बने हुए हार्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें बोलते हैं गोनेपोफाइसिस जिन्हें मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोला जा सकता है जिसे भी बोला जाता है जो मैं आ, आपको दिखाऊंगी आप इसको पॉज करके एक बार ही बेटा स्क्रीनशॉट लो मैं आपको अभी बेटा डायग्राम में एक चीज दिखाती हूं देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे मैं आगे बनाऊंगी आपको ये नजर आ रहा है बेटा ये वाला पार्ट ये फीमेल का जेनाइटल पाउच है ये ये फीमेल का जेनाइटल पाउच है मैंने कहा ये सेवेंथ एथ नाइन्थ स्टर्नम से मिलके बना होता है और इसमें तीन चीजों की ओपनिंग दिखती है कौन सी तीन चीजों की ओपनिंग दिख रही है बच्चों तुम्हें वैसे ओपनिंग बहुत सारी चीजों की है यहां पे भी गोनाइपोफाइसिस है यहां पे भी गोनाइपोफाइसिस होता है यहां पे, पे बेटा वजाइना भी आपको दिख रहा होता है बट एनसीआरटी में जो एब्डोमेन वाले पार्ट में दिया हुआ है आपको वो याद रखना है तो यहां पे क्या क्या आपको दिख रहा है देखो ये स्ट्रक्चर है स्पर्मैथिका स्पर्माथिका की ओपनिंग जिसे स्पर्माथिकल पोर कहते हैं

जब मैं आपको कॉमन ओविडक्ट पढ़ाऊंगी तो कॉमन ओविडक्ट जो oviduct के फ्यूजन से बनता है कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग उसी को फीमेल गोनोपोर बोलते हैं ठीक ठीक है है तो आगे मैं आपको ये और अच्छे तरीके से दिखाऊंगी क्या बेटा मॉर्फोलॉजी में कोई दुखद समस्या क्या मॉर्फोलॉजी में कोई दुखदर समस्या एक बार मैं क्विक रिविजन करा दू एना स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे को थम्सअप दे दो फटाफट से स्टार्ट एक बार क्विक रिविजन करा दू यस आर यू गाइज रेडी ठीक huh? है, चलो हमने बोला कि कॉकरोच बेटा रात में पाए जाने एनिमल्स होते हैं एनिमल्स होते हैं लौकी टिंडा आलू गोभी बैगन इनफैक्ट एक दूसरे को भी खा जाते हैं ओमनी होते हैं ठीक है फास्ट रनर होता है कॉकरोच आपके पीछे आप कॉकरोच के पीछे करसोरियल होते हैं ठीक है और अगर हम अपने कॉमनली फाइंड फाउंड कॉकरोच की बात करें तो उसकी 34 से लेके 53 mm उनकी लेंथ होती है थर्टी अमेरिकाना की अगर हम बात करते हैं इंसेक्टा से बिलोंग करता है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थोरैक्स एंड क्योंकि इंसेक्ट्स है इंसेक्ट अगर मैं बेटा सेगमेंट्स की बात करूं तो हेड में निम्फल स्टेज में होते हैं छह सेगमेंट एडल्ट में होते हैं एक थोरैक्स में होते हैं तीन और तीन एबडोम में निम्फ में होते हैं ग्यारह एडल्ट में होते हैं बेटा दस सेगमेंट एक मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि आप उसके अभ्रमन को देखेंगे तो मेल के केस में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक नहीं मेल के केस में एनल स्टाइल और एनल सरकाई दोनों फीमेल की बात करूं कर पा रहे है क्योंकि उसकी बॉडी हार्ड की बनी है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है हर एक सेगमेंट को बोला जाता है मेटामियर वैसे तो और उसके ऊपर जो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है उसे बोला जाता है स्क्लेराइट अगर मैं स्क्लेराइट की बात करूं तो वाली स्क्लेराइट को बोलते हैं टर्गम नीचे वाली स्क्लेराइट को बोलते हैं स्टर्नम और साइड वाली को बोलते हैं प्लूरा और हर एक स्क्लेराइट बेटा आपस में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है जिसे बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं हेड की हेड इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर फ्यूजन ऑफ सिक्स टू बॉडी डाउन टू अर्थ माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ फेस करते हैं और कंपाउंड आईज फंक्शनल प्रेजेंट होती है माउथ पार्ट बाइटिंग एंड चुइंग टाइप अपर लेप लेब्रम लोअर लेप लेबियम पेयर में होते हैं मैंडिबल और मैगजीवे मैंडिबल ग्राइंडिंग के लिए प्रेजेंट होता है टंग को बोला है जाता है हाइपोफेरिंग्स थोरैक्स जो होता है प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स मेटाथोरैक्स तीन बेटा पेयर में टांग होती है प्रोथोरैसिक टांग मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक लेग्स विंग्स की बात करूं तो टू पेयर ऑफ हो, विंग्स होंगे प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स नहीं है मीजोथोरैसिक विंग्स मेटाथोरैसिक विंग्स मीजोथोरैसिक विंग्स फोर विंग्स या फिर टेगमिना या फिर इलेक्ट्रा उड़ने के काम में नहीं आती डार्क होती है ओपेक होती है मेम्ब्रेनस होती है प्रोटेक्ट करती है, है, है विंग्स विंग्स को ड्यूरिंग द लेकिन जो जो होती है है मेटाथोरेक्स से निकलती है, वो उड़ने के काम में आती है मेम्ब्रेनस होती है ट्रांसपेरेंट होती है अगर मैं बात करूं बेटा प्रोनोटम की तो वो हार्ड कवरिंग होती है प्रोथोरेक्स के ऊपर की अगर मैं एबडोम की बात करूं तो दस सेगमेंट दस सेगमेंट लेकिन एबडोम में मेल में भी ब्रूट पाउच मेल में भी जेनाइटल पाउच फीमेल में भी जेनाइटल पाउच फीमेल में सेवेंथ एट नाइन स्टर्नम के फ्यूजन से बनता है बेटा लेकिन मेल में बनता है नाइन्थ एंड टेंथ टर्गम एंड नाइन स्टर्नम फीमेल में कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग दिखती है स्पर्मेथिकल पोर दिखते हैं और फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग दिखती है मेल के अंदर बेटा आपको ओपनिंग दिखती है डॉर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और आपको गोनापोफाइसिस नजर आती है ठोको ताली बेटा ठोको ताली चैट बॉक्स में बेटा ये मेहनत आपके लिए है और आप जब इसको रिवाइज करेंगे आंख बंद करके एक एक नोट्स एक एक क्लास की बातें आपके सामने ऐसे फ्लोट होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में देखो दो मिनट में आप रिवीजन करवा सकते हो आप अपने भाई बंधुओं के साथ में बेटा ऐसे डिस्कशन कर सकते हो कि भाई मैं तेरे को समझाता हूं मॉर्फोलॉजी तू मेरे को समझा डाइजेशन ये सभी बड़ी डन 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 आगे बढ़ जाए ग्रीन टी इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों एनाटॉमी एनाटॉमी में बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई भाई पेन 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 कहां कहां रख दिया मैंने ओ भाई, पेन कहां गया पेन, किसको पेन नजर आ रहा है बेटा जी ये रहा ओ भाई यहां है बेटा यहां है डाइजेस्टिव सिस्टम हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कॉकरोच का हम एक डायग्राम पढ़ाएंगे एक डायग्राम अरे कमेंट्स तो पढ़ो बेटा मेरे को कमेंट्स नजर आ रहे हैं अब इतने सारे बच्चे हैं पांच हजार उनके कमेंट्स कैसे पढ़ूंगी नजर सबका आ रहे हैं मेरे को नजर आ रहा है बेटा ठीक है हाँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं बेटा इससे लगातार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है दो बारी और क्या क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम मतलब पीवाई रिपीट हुआ है बेटा

डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है एलिमेंट्री केनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड एलिमेंट्री केनाल प्लस ग्लैंड प्लस ग्लैंड ग्लैंड के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन किया नहीं हुआ है ठीक है तो तुम्हें भी इसमें बेटा पीएचडी नहीं करनी एलिमेंट्री केनाल को आप फोरग गट, मिडगट

छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और सारी चीजें लिखते रहेंगे बिल्कुल एनसीआरटी बेस्ड सुंदर सा एक डायग्राम बनाओ ऐसा ही कुछ डायग्राम है ठीक है छोटा सा मैंने बनाया यहां पे कुछ सलाइवरी रिजर्वर्स बनाए हुए हैं और कुछ सलाइवरी ग्लैंड भी बनाए होंगे मैं एक बार बेटा फोकस करके थोड़ा डायग्राम बना ले तो फिर मैं आप आपकी तरफ देख रही हूं ठीक है थोड़ा सा टाइम लगा टाइग्राम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अरे भाई दिस इज वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड ये बेटा टू पेयर नहीं है ये वन पेयर ही है ये लोब्स हैं ग्लैंड के और एक पेयर सलाइवरी रिजर्वोयर होता है ठीक है चलो हां चलो ये सभी बड़ी देखो डिजाइन नहीं बना रहे भाई एनसीआरटी का डायग्राम नहीं देखा है क्या ये वाला एनसीआरटी का डायग्राम नहीं देखा है क्या ये वाला ऐसा ही तो कुछ बनाया होता है बेटा कैसी बातें कर रहे हो तो मैं लेबल करते जाती हूं और बताते जाती हूं सबसे पहले बेटा मैंने जो ये जिसको आप बोल रहे हो मैंने रंगोली बनाई है ये सलाइवरी ग्लैंड से बेटा इनके पास ये इनके पास क्या है बच्चों ये सलाइवरी ग्लैंड है आपको देख के लग रहा है कि वन टू थ्री फोर नहीं ये वन पेयर होते हैं एक साइड में दो लोब्स दूसरे साइड में दूसरे लोब्स एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कितने लोब्स है तो मैं नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ लिखूंगी वन पेयर ठीक है दिस इज बेटा क्या ग्लैंड्स क्योंकि आपको लगता है टीचर ने जो बोर्ड पे लिखा है सब नीट में आएगा मैं स्टूडेंट के अगर साइकोलॉजी की बात करूं तो वो इसी तरीके से सो सोचता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में अगर नहीं दिया तो बहुत बेटा रेयर चांसेस है कि वो कभी भी आए दिस इज वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड ठीक और ये जो बेटा हरे रंग के मैंने बना रखे हैं रिजर्वयर दिसर ठीक है अब बेटा मैं सबसे पहले चालू करूंगी किससे सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करूंगी किससे आपके आपके नहीं बेटा कॉकरोच के फोर गट से जिससे नीट में दो बार लगातार सवाल आया है सेम टू सेम ठीक है सेम टू सेम सवाल आया है तो मैंने एक काम करती हूं बेटा मैं दूसरे पिंक कलर से करती हूं क्योंकि ना तो आपको दिखेगा नहीं मैं किस चीज को लेबल कर रही हूं सो दिस पार्ट फ्रॉम वेयर द एलिमेंट्री कैनाल विल स्टार्ट एज पर एनसीआरटी दिस इज कॉल्ड माउथ माउथ लीड्स टू द नेक्स्ट पार्ट छोटा सा एक पार्ट जिस पार्ट को बोला जाता है फेरिंग्स किसी को पता बेटा यही सवाल आया था नीत में लगातार मतलब सीक्वेंस में माउथ पार्ट पूछे सॉरी एलिमेंट्री के नाल के, पार्ट्स पूछे के पार्ट पूछे हुए थे दिस इज कॉल्ड इज कॉल्ड ईसो फेगस के बाद बेटा आपको ये लाइक झोले जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फूड को स्टोर कर सकता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा क्रॉप

Of questions that they actually ask you. So mouth leads to pharynx leads to esophagus leads to crop leads to gizzard. मैं crop के बारे में एक दो बातें एक बातें बता देती हूँ. Large sac, large sac ये क्या करता है खाने को store कर सकता है store food. Gizzard जिसको proventriculus भी बोला जाता है गिज़र्ड जिसे प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है इसके बारे में एनसीआरटी ने बहुत ही प्यारी एक बात कही हुई है बेटा बहुत ही प्यारी एक बात कही हुई है मैं अगर गिज़र्ड को बेटा जूम करके बनाऊ ना अगर मैं गिज़र्ड को जूम करके बनाऊ जूम करके क्या बनाऊ बेटा अगर आप गिज़र्ड को बहुत ध्यान से देखो तो गिजर्ड के अंदर छह ऐसे बहुत ही ज्यादा काइटिनस टीथ होते हैं सिक्स काइटिनस टीथ ऐसे 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 करके बेटा किसकी मदद से ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है बाहर की तरफ सर्क्यूलर मसल्स इसके आउटर साइड पे सर्क्यूलर मसल्स हैं और अंदर की साइड पे काइटिनस टीथ समझ आ गई समझ आ गई बात आउटर सर्क्यूलर मसल आउटर सर्क्यूलर मसल और बेटा अंदर की तरफ क्या है अंदर की तरफ क्या है बच्चों सिक्स काइटिनस टीथ सिक्स काइटिनस टीथ क्या कर रहा है ये काइटिनस टीथ की मदद से ग्राइंडिंग ऑफ फूड सीधा सवाल आता है फूड की ग्राइंडिंग कहां होती है फूड की ग्राइंडिंग होती है बच्चा पार्टी इन द और इन द चमक गया सभी को यह सभी बड़ी यह सभी बड़ी एक एक लाइन एनसीआर की बेटा ऐसी ही दी हुई है ठीक है यस yes? यस एवरीबॉडी ठीक है ना अब बेटा देखो एक और बेहतरीन सवाल बन सकता है ठीक है ठीक है आप चुप हो जाइए आप चुप हो जाइए आप चुप हो जाइए हाँ तो बेटा जी अब देखो यहीं पे खत्म फिनिश दिस इज योर फोरगट माउथ फायरिंग सीस ऑफ एग्स क्रॉप गिजर्ड प्रोवेंट्रिकुलस ठीक है फिनिश गिजर्ड प्रोवेंट्रिकुलस तक खत्म आगे जो आपको ट्यूब दिख रही है इसे बोला जाता है मिडगट या इसे बोला जाता है ने कुछ कहा है इसके बारे में नहीं बेटा पे भी डाइजेशन होता है यहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन NCRT ने कुछ भी इसके फर्दर कोई पार्ट नहीं है लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन में फोरगट और मिडगट के जंक्शन में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं कोई बताएगा ये स्ट्रक्चर क्या है और ये स्ट्रक्चर कितने हैं ये स्ट्रक्चर क्या है और ये स्ट्रक्चर कितने हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया यश बायोलॉजी शॉर्ट इशू यस विवेक अमित और कितने होते हैं सिक्स टू एट इन नंबर क्या सिक्स टू एट पेयर होते हैं क्या क्या सिक्स टू एट पेयर होते हैं क्या या सिक्स टू एट इन नंबर होते हैं मेरे को ये बता दो ये बता दो क्योंकि बेटा पता है क्या ये छोटी छोटी बातें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ये छोटी छोटी बातें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं दिस दिस इज़ इज़ कॉल्ड एज़ नो नॉट ठीक है यहां पे आप आंसर दे रहे हो ना वहां पे ना आप ऐसे से करते हो दिस इज सिक्स टू एट इन नंबर दिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन वैसे तो डायग्राम में दिख रहा है फिर भी मैं लिखवा दे रही हूं प्रेजेंट एट दंक्शन ऑफ प्रेजेंट एट दंक्शन ऑफ फोर एंड मिडगट फोरगट एंड मिडगट और ये डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है बच्चों वैसे एनसीआरटी में ये बात शायद लिखी नहीं हुई है तो यू कैन स्किप नो वरीज अगर ये बात नहीं लिखी हुई है तो आप स्किप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस लेकिन इसका नंबर क्या है ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा? ये बहुत 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 ज़्यादा दिस इज द सेकेंड पूरा का पूरा फोरगट था मैं यहां पे लिख नहीं पाई ये पूरा का पूरा क्या था ये पूरा का पूरा फोरगट था ये पूरा का पूरा क्या था बच्चों फोरगट ठीक है ये पूरा का पूरा क्या था फोर गट अब ये क्या है छोटा सा मिड गट ये क्या है मिड गट मीज टेरॉन भी बोलते हैं किसकी क्या ओरिजिन है जरूरत नहीं है बच्चों कुछ बच्चों का आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है बच्चों एनसीईआरटी ने नहीं मीजो थोड़ा क्यों लिख दिया मैंने बातों बातों मैं. में मीज टेरॉन अगर ये वर्ड एनसीआरटी में पाया जाए तो आप लिख सकते हैं मीज टेरॉन अदरवाइज लाइक आई सेड यू कैन स्किप

इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम और रेक्टम फाइनली बेटा इट ओपन्स आउट साइड वाया एनस रेक्टम फाइनली ओपन आउट साइड वाया एनस दिस इज द लास्ट पार्ट कॉल्ड हाइंड गट दिस इज द लास्ट पार्ट कॉल्ड हाइंड गट Like I said, भी बहुत ज्यादा एनसीआर में कुछ दिया नहीं हुआ सिर्फ बेटा इसके पार्ट मेंशन किए हुए ठीक है आई एल आई यूएम वाला नहीं है इलियम कोलॉन एंड रेक्टम बच्चा पार्टी यस yes. और बेटा जी और बेटा जी कोलॉन सॉरी रेक्टम विल ओपन आउटसाइड वाया एनस लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बस छूटी हुई है कि बेटा गट और गट के जंक्शन में भी कोई स्ट्रक्चर मिलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी भी क्या है और कितने हैं क्या है या कितने हैं ग्रीन या ग्रीनिश येलो बोल लो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गट और गट के जंक्शन में प्रेजेंट है क्या है ये स्ट्रक्चर मैल फीगेन वेरी वेरी मैम सपोला क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मैलफीन ट्रिब्यूल मैलफीगियन टिब्यूल दिस इज कॉल्ड मैलफिगियन टिब्यूल इसके बारे में बेटा दो चार शब्द आपको इसके सम्मान में लिखना चाहिए क्या लिखेंगे इसके बारे में एक्सक्रीटरी इन नेचर एक्सक्रीटरी प्लस ऑस्मो रेग्युलेट्री तो होता ही है ऑस्मो रेग्युलेट्री प्लस एक्सक्रीटरी कितना होते हैं 100 से 150 नंबर कहा होते हैं जंक्शन ऑफ जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड मिड एंड हाइंड को कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक क्या किसी को यहां तक कोई दुख दर्द समस्या ग्रीनिश येलो स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो बेटा अगर तुम ये डायग्राम देखो ना सिर्फ इतना सा डायग्राम अगर तुम लास्ट मोमेंट रिवीजन कर लो तो देखो पूरा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी में रिवाइज हो गया प्लीज इसके लिए अलग से पोथियां नहीं बनानी है इसके yes, yes, yes? लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही छोटू सा दिया हुआ है बट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मैम आपके होते हुए कोई दुखद समस्या नहीं बहुत बढ़िया बेटा आप, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दुखद समस्या नहीं होगी बेटा पढ़ाया सबको बराबर जाता है लेकिन कई लोगों के घुटनों में हमेशा दर्द रहता है क्योंकि दिमाग वही है बेटा चलो स्टार्ट यस मैम इज सपोला बेटा सपोला मैं प्यार से अपने बच्चों को बुलाती हूँ ठीक है दिस इज द प्यार से गिवन नेम टू माई बच्चा पार्टी ठीक है ये एनसीआर का डायग्राम है बेटा आप अगर थोड़ी पढ़ोगे तो माउथ आता है माउथ लीड्स टू फेरिंग्स

हाइन गट में इलियम कोलॉन रेक्टम रेक्टम ओपन आउटसाइड वाया एनस yes, yes, हर्षिता बेटा उसकी जरूरत नहीं है बेटा कि किसमें क्यूटिकल की लाइनिंग है किसमें नहीं है आप मेरे को एक बारी बात बताओ बेटा एनसीआरटी में गिवन है क्या नहीं गिवन है ना क्या आज तक पूछा गया है बेटा नहीं आप पिछले पांच साल के पेपर खोल के देख लो ठीक है चलो बेटा बात करते हैं किसकी अगेन बहुत इजी सा एक सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम अब मैं आपको पहले से एक बात बता रही हूं कि मैं डायग्राम इसलिए बनाऊंगी क्योंकि आपके एनसीआरटी में जो वर्ड यूज किया ना बेटा ट्रेकिया ट्रेकियोल स्पाइरिकल उसको दिखाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूं मैं डायग्राम में सिर्फ उतनी चीजें बताऊंगी जो तुम्हारे एनसीआरटी में दी हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ठीक है बेटा जी अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो बेटा इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है ट्रेकिल सिस्टम अगर आप एनिमल किंगडम खोल के देखोगे तो एनिमल किंगडम में जहां आथ्रोपोडा लिखा हुआ है ना बेटा वहां पे यह भी मेंशन किया हुआ है कि आर्थ्रोपोडा का मोस्ट कॉमनली फाउंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मतलब जो उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है वो ट्रेकियल सिस्टम है हालांकि बेटा उसमें बुक लंग्स भी मिलती हैं, बुक गिल्स भी मिलती है गिल्स भी मिलती है बट कॉमन क्यों बोला क्योंकि आर्थ्रोपोडा में भरे पड़े हैं आपके हमके बेटा आपके हमके बोल रही हूं आपके और हमारे कॉकरोचेस बेटा रेक्टल पैपिले रेक्टल पैपिले मेरे को लगता नहीं एनसीआरटी में दिया हुआ रेक्टल पैपिले या रेक्टल पैड्स दिया है क्या एनसीआरटी में वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट होता है रेक्टम में आई डोंट थिंक इट इज गिवन इन एनसीआरटी ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना अगर मैं कॉकरोच को कॉकरोच को ऑब्जर्व करूं ये हमारा खाते पीते घर का एक कॉकरोच हम बनाते हैं थोड़ा टेढ़ा बन रहा है ठीक है नहीं दिया हुआ है ना ठीक है नहीं दिया हुआ है ठीक है छोड़ दो बेटा अगर मैं कॉकरोच को देखू ना बेटा कॉकरोच को मैं साइड से ऑब्जर्व करूँ उसके साइड में ना लेटरल साइड पे बॉडी में छेद है, होते हैं ओपनिंग होती है तो अगर मैं कॉकरोच को देखू कॉकरोच को यहां से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हाँ अगर मैं ये कॉकरोच का सर ये कॉकरोच की बॉडी अगर मैं कॉकरोच को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो उसके बॉडी में साइड्स में कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती हैं बेटा जिनके थ्रू एक्चुअल में इनकी बॉडी के अंदर एयर एंटर कर रहा होता है आप एक बारी मेरे को बात बताओ बेटा हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर मैमल्स के अंदर या मैं ह्यूमंस की बात करूं आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा हमारे अंदर बेटा गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रोल प्ले कर रहा होता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन रोल प्ले कर रहा होता है बेटा यस लैग हो रहा है लैग हो रहा है क्या क्या अभी ठीक है क्या अभी ठीक है यस अभी ठीक है क्या अभी ठीक है? है अभी तो ठीक है अभी तो ठीक है अभी ठीक है है ना अरे आप क्यों लाग लाग कर रहे हो अब तो ठीक है अब ठीक है बेटा मेरे को तो दिख रहा है तो कॉकरोच के बेटा साइड्स में ना बॉडी के साइड में छेद होते हैं ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू एयर एंटर कर रहा होता है बेटा अगर आप अपनी बात कहें तो आपके अंदर ऑक्सीजन या सीओ टू या गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या प्रेजेंट होता है आपके पास आपका ब्लड है है कि नहीं आप देखो आपका 97% ब्लड बेटा हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है CO2 की बात कर लो बेटा 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर राइट आपके ब्लड का बहुत ही बड़ा रोल होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बट कॉकरोच ठेंगा कॉकरोच के ही हीमोलिम्फ ब्लड का कोई रोल नहीं है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और कैसे होगा कैसे होगा भाई और बहनों कैसे होगा उसके ब्लड में बेटा हीमोग्लोबिन थोड़ी है है उसके ब्लड ब्लड में तो बेटा उसका कलरलेस होता है, जिसे बोलते हैं उसमें सिंपल ब्लड सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं प्लाज्मा होता है उनमें हीमोग्लोबिन का जब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि ब्लड प्लेज नो रोल ब्लड या कॉकरोच के केस में बेटा सही होगा हीमोलिम्फ बोलना मोलिम्फ प्लेस हिमोलिम्फ प्लेस नो रोल प्लेस नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस राइट क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है यह सभी बढ़ी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नो हीमोग्लोबिन एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन कोई हीमोग्लोबिन नहीं है अब बेटा ध्यान से देखना मैं जो इन ओपनिंग्स को बोल रही हूं ना जिसके थ्रू जिसके थ्रू क्या एयर एंटर कर रहा है आपने इसका नाम भी बताया स्पाइरिकल्स क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है यहां से कि स्पाइरिकल्स कितने पेयर होते हैं बच्चों तो मैं एक स्पाइरिकल को ना बेटा जूम करके बनाऊं मैं एक स्पाइरिकल को जूम करके बनाऊं यस एक स्पाइरिकल को अगर मैं जूम करके बनाऊं तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है और स्पाइरकल से एक ट्यूब बेटा जाती है एक्सटेंड करती है जिस ट्यूब को बोला जाता है ट्रेकिया में सिर्फ वाला बता रही हूं है ना टेन पेयर बोल लो या ट्वेंटी नंबर करेक्ट आपसुल्यूट्ली करेक्ट ठीक है तो बेटा ये मैं जूम करके बना रही हूं जरा ध्यान देना ठीक है मैंने बोला कि इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स इसको हम बोलते हैं स्पारिकल्स लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ऑफ कोर्स साइड में प्रेजेंट है प्रेजेंट लेटरली प्रेजेंट लेटरली कितनी है लेटरली कितनी है टेन पेयर और इसमें स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा गार्डेड बाय स्फिंक्टर गार्डेड बाय स्फिंक्टर स्फिंक्टर की मदद से उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग से एयर की एंट्री या एग्जिट होती है फॉर रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंट्री या एग्जिट ऑफ एयर एंट्री या एग्जिट ऑफ एयर समझ लग रही है सभी को बात समझ लग रही है सभी को बात यस यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी देख लेती हूं बेटा कमेंट्स यस डन 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 यस हीलोफिलिक यस बेटा तो यहां पे मैं लिख देती हूं स्फिंक्टर्स के बारे में तो मैंने लिख दिया है मैं यहां पे ये स्फिंक्टर्स को बना देती हूं जैसे सो ये स्फिंक्टर की मदद से बेटा रेगुलेशन हो रहा है स्फिंक्टर्स स्फिंक्टर्स ठीक है अब बेटा देखो स्पाइरिकल स्पाइरिकल जो लेटरली ओपनिंग है ये लीड टू लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रेकिया ये आगे बेटा ट्रेकिया को लीड करता है दैट इज अ सेकेंड पार्ट इसीलिए तो ट्रेकिया सिस्टम भी बोला जाता है एयर बेटा प्रिंस बेटा डेफिनेटली दो थ्रैक्स में बट वो एनसीआरटी में नहीं गिवन है ठीक है तो बेटा क्या है ना कि स्पाइकल से होते हुए हवा कहां जाती है हवा एक ट्यूब के अंदर जाती है जिसे बोलते हो ट्रेकिया इसके ऊपर भी बेटा काइटीनियस रिंग्स होती है जैसे हमारे ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स है यहां रिंग्स नहीं है काइटिन की बनी हुई रिंग्स होती हैं ठीक है थीके? हाँ लेकिन एनसीआरटी में गिवन नहीं है मैं नहीं लिखवा रही हूं तो स्पाइरिकल लीड्स टू ट्रेकिया ट्रेकिया लीड्स टू बेटा ट्रेकिया आगे जाके मेरे हाथ को देखो ये यहां स्पाइरिकल है स्पाइरिकल से बेटा ट्रेकिया में गई और ट्रेकिया ऐसे ब्रांच कर गई ट्रेकिया ऐसे जो ब्रांच कर गई उस ब्रांच स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा ट्रेकि उस ब्रांच स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा जहां से एक्चुअल में एयर का डिफ्यूजन होता है जहां से एक्चुअल में का होता है, और डायरेक्टली टिश्यू के कॉन्टैक्ट में ट्रेक्योल्स एक्चुअल में बेटा डायरेक्ट टिश्यू के कॉन्टेक्ट में है तो ऑब्वियसली बात है बेटा बहुत ईजीली ऑक्सीजन का या एयर का डिफ्यूजन हो, हो जाता है सिंपली एयर का डिफ्यूजन हो जाता है इसीलिए इनको किसी भी तरीके से हीमोलिम्फ की जरूरत नहीं है हीमोलिम्फ की जरूरत नहीं है फॉर ट्रांसपोर्ट एज सिंपल एज दैट इससे ज्यादा कोई भी बकवास बात याद नहीं रखनी है बेटा यस यस एवरीबॉडी बड़ी एवरीबॉडी बड़ी डन डन बेटा ट्रेकियल सिस्टम स्पारिकल्स टेन पेयर ओपनिंग इज गार्डेड बाई स्विंगटर स्पाइरकल लीड टू ट्रेकिया ट्रेकिया लीड टू ट्रेकियोल से आराम से बेटा एयर डिफ्यूज हो जाता है कुछ इसी तरीके का पाथवे है कुछ इसी तरीके का पाथवे है एयर गई और फिर एयर डिफ्यूज हो गई समझ आ गई बात समझ आ गई बात डायमंड क्लियर बहुत ही बढ़िया ठीक है बस बेटा इतनी ही बात है एनसीआरटी खोल के देख लो ठीक है याद हो गया मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी उसके बाद समाप्ति एक्सप्रेस से हम डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिवीजन करेंगे फिर लास्ट के तीन सिस्टम तीन चार सिस्टम्स बचेंगे उसको लास्ट में करते हैं ठीक है yes? Yes? मैं इसके बारे में लिख दे रही हूं बेटा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ टिश्यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ टिश्यू ठीक है यस yes? यस yes. अब बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की तो पहला सवाल मेरे सपोलो के लिए यह रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके आप मुझे आंसर देंगे पहला सवाल आप मुझे आंसर दीजिए डू दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यस और नो डू दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलो मैं लिख देती हूं यहां पे क्या इनके पास ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है क्या इनके पास ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है अगर आपका जवाब बेटा सही है तो मतलब हां है बिल्कुल सही यस मैम है तो आप मुझे अगले सवाल का भी बेटा जवाब दीजिए अगले सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कि क्या अगर इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो क्या इनके पास ब्लड वेजल्स होंगे यस और नो बिल्कुल इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या इनके पास ब्लड वेजल्स होंगे यस और नो यस और नो कुछ बच्चे कह रहे हैं हां मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं नो मैम तो जो बच्चे कह रहे हैं नो मैम वो लगाओ अपने सर पे एक बैंग बैंग बेटा ब्लड वेजल्स होते हैं आपने बॉडी फ्लुइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर यानी ध्यान से पढ़ा नहीं है उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है और इसके पास भी ब्लड वेजल्स होते हैं ब्लड वेजल्स की प्रेजेंस या बेटा ये शो नहीं करती है कि ओपन है या क्लोज है होते हैं ब्लड इनके पास कैपिलरी नहीं होती है बाबू इनके पास कैपिलरी नहीं होती है बेटा ओपन और क्लोज आज तक आप क्या क्या पढ़ते हुए आए ये तो बेसिक है अगर मेरे पास एक ब्लड वेजल है आर्टरी और एक ब्लड वेजल है वेन अगर ये कैपिलरी के नेटवर्क से क्लोज हो गई तो ये क्लोज्ड जैसे हमारे में है दे आर बाउंडेड बाई दर्क ऑफ कैपिलरी दिस इज क्लोज सर्कुलटरी सिस्टम अगर आपके पास ब्लड वेजल है बट उसके पास कैपुल से वो क्लोज नहीं हो रहा इन स्टेड वो ब्लड वेजल के अंदर जितना भी ब्लड या जिसको किसी के अंदर हिमोलिम वो अगर ओपन स्पेसिस में बेटा पोर कर दे रहे हो तो वो होता है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम तो कैपुलरी नहीं होगी अदर ब्लड वेजल्स हो सकती है बाबू मोशाए बताओ सही है यस yes? सही है दे डू हैव ब्लड वेजल्स बट दे आर नॉट बाउंडेड बाई कैपिलरी एंड दे डेफिनेटली हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिख यस सो ब्लड उतनी वेल well डेवलप नहीं होगी बट नॉट बाउंडेड बाई कैपिलरी बेटा मैं आपको एनिमल किंगडम का क्योंकि कई नए बच्चे पढ़ रहे हैं कई नए बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से पढ़े हुए बच्चों को तो पता है कि मैं इस से याद करवाती ओपन और क्लोज का एक एनिमल किंगडम का एक ट्रिक बता दू, आप दू जिससे आपको ये मेरे कुछ बच्चे शिवाज, शिवाजी, बता, या, लिख भी रहे हैं कि जिससे आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रख सकते हैं तो एनिमल किंगडम में आप बेटा ऐसे याद रख सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बाकी सब में क्लोज होता है तो जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आप ये वाले ट्रिक बेटा यूज कर सकते हो ए फॉर आर्थ्रोपोड्स ए फॉर बेटा आर्थ्रोपोड्स, एन फॉर बेटा मोल्यूस्का की एक कैटेगरी जो एनसीआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन भी की हुई है नॉन सिफेलोपोड मोल्यूस्का नॉन सिफेलोपोर्ड मॉल्यूस्का बेटा मॉल्युस्का में दो कैटेगरी दी होती है एक सिफेलोपोर्ट एक नॉन सिफेलो तो नॉन सेफेलो में ओपन सिपेलो में क्लोज बेटा स्क्रीनशॉट वर्षा लेने के लिए मैं टाइम दे रही हूं टी फॉर बेटा ट्यूनिकेट्स टी फॉर ट्यूनिकेट्स जिसे बेटा ट्यूनिकेट्स को यूरोकॉर्डेट्स भी बोला जाता है यूरोकॉर्डेट्स भी बोला जाता है एच फॉर बेटा हेमिकॉडेट जो एक कनेक्टिंग लिंक भी है हेमिकॉडेट और ई फॉर एकाइनोडर्मेट बस बाकी सबके पास बेटा बाकी सबके पास बेटा क्या होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिस इज कॉल्ड एज अंजलि बताया था यस सोनू दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे याद रख सकते हो यस यस तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई बच्चा कह रहा था स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए अब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे वापस मूव करते हुए आ रही हूं अगर मैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो हो गया और इसके कलरलेस ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं इसके कलरलेस ब्लड को अगर कभी कॉकरोच को गलती से पिछकाया है तो ये हीमोलिम्फ निकलता है ठीक है यस yes, यस yes, ठीक है यस yes, नया और बेटा यस yes, यस yes, ठीक है यस yes, अर्पिता तो बेटा कलरलेस ब्लड को आपने बोल दिया ठीक है अगर मैं इसके हीमोलिम्फ की बात करूं तो इसमें बेटा दो पार्ट्स होते हैं एक होता है इसके पास हीमोसाइट जो इसके ब्लड सेल्स होते हैं बिल्कुल एनसीआरटी ने इसी तरीके से दिया हुआ है बेटा इसके ब्लड सेल्स को आप क्या बोलते हैं बेटा हीमोसाइट और प्लस इसके पास जो लिक्विड पार्ट होता है जैसे हमारे पास होता है प्लाज्मा ठीक है प्लाज्मा गॉट इट गॉट इट यस फिर होता है बेटा इसके पास दिल ठीक है जैसे आपके पास है लेकिन आपके पास बेटा चार ही चेंबर हैं इनके पास बहुत सारे चेंबर होते हैं काफी सारे चेंबर है इसके पास सबके लिए जगह होती है दिल में जगह 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 तो बेटा बेटा आपके आपके पास पास भी कम नहीं है है हर दूसरे दिन आपके पास बहुत सारी बन जाती बना 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 लेते हो आप ऑटोमेटिकली ठीक है आज यहाँ कल कहीं ठीक है हाँ तो बेटा लेकिन अभी बेटा आपका दिल जो है ना पढ़ाई से लगना चाहिए नहीं तो बेटा फ्यूचर में किसी से दिल नहीं लग, लग पाएगा ठीक है तो जो अभी पढ़ाई से बेटा दिल नहीं लगाता फिर बेटा वो गॉन केस है ठीक है ना सो so, अभी पढ़ाई से दिल लगाना है बाकी किसी से दिल नहीं लगाना है फिर बेटा वो दिल लग जाएगा जब लगाना होगा ठीक है बहुत सारा दिल दिल हो गया बेटा वापस बेटा यहां आओ ठीक है यहां पढ़ाई से दिल होना चाहिए बेटा ये मैं जेन्यनली बोल रही हूं वो वाला टाइम भी बेटा आपका आएगा लेकिन अपना टाइम तभी आएगा बेटा जब यहां पर तुम टाइम सही से काटोगे वरना वहां पर बेटा समझ गए ना मेरी बात ठीक है चलो बेटा अगर मैं की की मैं कॉकरोच की हार्ट पहले बात करती हूँ फिर मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगी जैसा कि हम बना रहे हैं हमेशा की तरह तो अगर मैं बेटा अच्छा एक चीज और इनके बॉडी में जो कैविटी है साइनस जिसे बोलते हैं उसे बोला जाता है हीमोसील उसी कैविटी के अंदर बेटा हिमोलिम्फ प्रेजेंट होता है मैं इसके बारे में एक और बात कह देती हूं कि हिमोलिम्फ बेटा कहां प्रेजेंट होता है कहा प्रेजेंट होता है बॉडी की कैविटी में साइनस में जिसे हीमोसील बोलते हैं जो डायग्राम में भी अभी मैं दिखाऊंगी प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन कैविटी कॉल्ड साइनस साइनसिस या हीमोसील या हीमोसील गॉट इट यस एवरीबॉडी यस आप बेटा मैं हार्ट की बात करूं तो ये होता है थर्टीन चेंबर हार्ट तो मैं इसको डायग्राम वाइज भी अभी मैं आपको दिखाती हूं जो पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रही हूं आप पॉइंट्स लिख लीजिए फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूं ठीक है हैज ओपनिंग्स कॉल्ड ओपनिंग्स कॉल्ड ऑस्टिया हीमोलिम्फ एंटर्स पहले आप पॉइंट लिख लो मैं फिर आपको समझाती हूं ठीक है दिल के बारे में इतना है बिटवीन टू चेम्बर फैन शेप फैन शेप्ड एलेरी मसल्स प्रेजेंट एलेरी मसल्स प्रेजेंट ठीक है थैंक थैंक यू यू चांद कादरी बेटा you, बेटा बस बढ़िया से पढ़ो और सिलेक्शन लेके आओ हमें और क्या चाहिए आई रियली मीन इट बेटा मुझे भी बहुत खुशी होती है जब बच्चा जेन्यनली सुन रहा होता है और जेनली पढ़ रहा होता है इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए बेटा ठीक है ठीक है हाँ और फिर होता है एंटीर इनटू ओपन ओपन इन टू स्क्रीनशॉट लीजिए मैं ये सारी चीजों को अभी समझाती हूँ बेटा किससे डायग्राम की मदद से पहले इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो डन डन कर लो मैं पानी एक बारी मंगा लेती हूँ यार भैया है यार पानी मंगवा देना राहुल प्लीज नहीं नहीं, नहीं गरम गरम यस yes, एवरीबॉडी बेटा मेरे ना बहुत सारे ग्लास इकट्ठे हो गए मेरे को साइड कर लेने दो तो एक बारी ठीक है यस 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 एवरीबॉडी डन 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 तो हम लेना डायग्राम बनाने वाले हैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए देखो देखो देखो, देखो बेटा हार्ट का डायग्राम मैं इसलिए भी बना रही हूं क्योंकि ना देखो कॉक्रोच क्या है एक तरीके का नॉन कॉर्डेट हम क्या है हम है कॉर्डेट्स जब आप बेटा एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट के डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना तो आप हार्ट की लोकेशन के भी बारे में डिफरेंस पड़ेंगे कि अपनी लोकेशन वेंट्रल साइड पे होती है उनकी डॉर्सल साइड पे होती है अपना जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है उनका जो होता है वो कौन से तरफ होता है? जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी अभी इसीलिए डायग्राम की थोड़ी इंपॉर्टेंस भी है ठीक है यस अब बेटा देखो अगर मैं कॉकरोच का हार्ट बनाऊं जैसा कि एनसीआरटी ने बनाया हुआ है सबसे पहले मैं वैसा बनाती हूं जैसा कि एनसीआरटी ने बनाया हुआ है सबसे पहले मैं वैसा बनाती हूं क्योंकि देखो बाकी किसी कैविटी के बारे में एनसीआरटी डिफाइन नहीं करती है अगर आप कहीं डिटेल में पढ़ना चाहो तो है लेकिन पहले मैं एन आपको समझाती हूं हमारा कॉकरोच बहुत ज्यादा बेटा खाते पीते घर का है ठीक है या हमने कॉकरोच का कॉकरोच का मुंह बनाया शक्ल बनाई मैं इसके थोड़े चेंबर्स बनाती हूँ पहले मैं थर्टीन चेंबर तो बना नहीं पाऊंगी बेटा डायग्राम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जितने भी बन जाए मैं बना रही हूं थ्योरी में तो तुमने लिखा ही हुआ है ठीक है बेटा इतने से काम चला लो अभी ठीक है यस ठीक है यस बेटा एंटीरेटा इनका ब्लड वेजल ही तो है भाई एंटीरेटा इनका वेजल ही तो है ठीक है पुअरली डेवलप्ड होते हैं पर हैं अब बेटा देखो अगर मैं इसके हार्ट की बात करूं तो इनका हार्ट कहां है dorsal साइड पे बेटा आप कॉकरोच को इमेजिन करो आप कॉकरोच को इमेजिन करो ठीक है ये क्या है बेटा कॉकरोच ठीक है कॉकरोच का ये ऊपर वाला हिस्सा तुम्हें तो डॉर्सल साइड दिख रहा है और पेट वाला हिस्सा जो इसका है वो धरती की तरफ है नीचे की तरफ है तो मैं कॉकरोच को ऊपर से ऐसे देख रही हूं जब मैं कॉकरोच को ऐसे ऊपर से देख रही हूं तो मेरे को बेटा ऐसा ऐसा ऐसी शक्ल दिख रही है ठीक है जब मैं कॉकरोच को ऐसे ऊपर से देख रही हूं तो मुझे ऐसी फोटो दिख रही है मेरी बात समझ गए मैं कॉकरोच को कौन से साइड से देख रही हूँ क्या मैं कॉकरोच को ऐसे साइड से देख रही हूँ नहीं क्या मैं कॉकरोच को ऐसे नीचे से देख रही हूं नहीं मैं कॉकरोच को कैसे देख रही हूं बेटा मैं कॉकरोच को ऊपर से ऑब्जर्व हूं डॉर्सल साइड से तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है और ये मैंने डॉर्सल साइड ही दिखाई हुई है थर्टीन चेंबर हार्ट। समझ आ रही है बात ये सभी वादी समझ आ रही है बात अब मैं आपको दिखाऊंगी बेटा हर एक चेंबर में बिटवीन द ओपनिंग्स दिख रही होती है जिसे बोला जाता है देखो मैं आपको समझाती ठीक है? बेटा ऑफ हार्ट चेंबर ऑफ हार्ट जो थर्टीन होते हैं और एलरी मसल्स के बारे में भी एनसीआरटी कहती है कि दो चेंबर के बीच में वन पेयर अगर टोटल थर्टीन चेंबर है तो ऑब्वियस बात है कि एलरी मसल्स कितनी पेयर होंगी ट्वेल्व पेयर हो जाएंगी क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बिटवीन टू चेंबर बेटा फैन शेप एलरी मसल्स आर प्रेजेंट ठीक है हालांकि एनसीआरटी में किसी के भी फंक्शन को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ तभी तो बेटा कोई बच्चे पूछ रहे थे टर्गोस टर्नल मसल्स और ये मसल्स वो मसल्स एनसीआरटी में गिवन नहीं है तो बेटा क्यों फालतू में उन चीजों के बारे में पढ़ना आप ये याद रख सकते हो दिस इज ट्वेल्थ पेयर दीज हेल्प इन हेल्प इन एंट्री ऑफ ब्लड एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ वाया ऑस्टिया वाया ऑस्टिया और ऑस्टिया क्या है लेटरल लेटरली प्रेजेंट ओपनिंग्स लेटरली प्रेजेंट ओपनिंग्स फॉर एंट्री ऑफ फॉर एंट्री ऑफ हीमोलिम्फ इट गॉट इट यस एवरीबॉडी बेटा जी ऐसे साइड में ओपनिंग है जिसके में, जिसके में, में क्या एंटर कर रहा है आपका एंटर कर रहा है हार्ट के अंदर बेटा एनसीआरटी ने एक और चीज की है कि हार्ट से जो इनका ब्लड होता है वो हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में बेटा पंप होता है ठीक है पीछे से आगे की तरफ बेटा ब्लड की पंपिंग होती है इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ ब्लड की पंपिंग होती है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यस yes. पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे बेटा ब्लड या हिमोलिम पंप करता है और बेटा इनके फर्स्ट चेंबर से ना ये फर्स्ट चेंबर से एक आपको ये ब्लड वेजल दिख रही है जिसे बोला जाता है एंटीरियर आयोटा जिसे बोला जाता है एंटीरियर आयोटा इस एंटीरियर आयोटा से इनका जो हीमोलिम्फ है ये इनके सर में एक कैविटी होती है सर के अंदर एक कैविटी होती है जिसे बोला जाता है सिफेलिक साइनस जिसे क्या जा, बोला जाता है सीफेलिक साइनस सिफेलो का मतलब होता है हेड, उस सिफालिक साइनस में इस ही को डंप कर दिया जाता है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यस yes? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीबॉडी क्या मेरी बात सभी को समझ आई सेफेलो का मतलब हेड हेड में प्रेजेंट साइनस को बोला जाता है सेफेलिक साइनस तो एंटीरा एओर्टा से बेटा जो हीमोलिम्फ है वो किसके अंदर डंप हो जा रहा है सेफेलिक साइनस के अंदर यस एवरीबॉडी यस यस अरे 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 यस एवरीबॉडी डन 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 13 चेंबर हार्ट ब्लड इज पंप फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड ओपनिंग्स को बोला ऑस्ट्रिया जिससे हिमोलियम फेल्टर करता है जिससे हिमोलियम फेल्टर करता है ठीक है मसल्स उस ओपनिंग के लिए हेल्प कर रही होती है थर्टीन आप आगे जाता हुआ बेटा एंटीरा से होता हुआ किसके अंदर डंप हो जाता है साइनस के अंदर डन डन अब बेटा देखो वैसे आप आपको मैं जब अभी नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको अब मैं अगर कॉक्रोच को साइड से ऑब्जर्व करूं जैसे मैंने इसको ऊपर से ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसा दिख रहा है अगर मैं कॉकरोच को बेटा साइड से इसका एक बारी ले लो इसका स्क्रीन एक बार ले लो ठीक है साइनस मतलब का तोड़ के देखा करो ना वर्ड को हेड में प्रेजेंट कैविटी ना बेटा वर्ड्स को, को तोड़ के देखो अब बेटा देखो अगर मैं कॉकरोच को साइड से ऑब्जर्व करूं तो मेरे को कैसा दिखेगा आपको इतने बेटा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मैं बस एक चीज दिखाना चाह रही हूं ऐसे करके अरे भाई यार तुम चुप हो जाओ भाई ये मेरी ना बेटा इस फोन को पता नहीं क्या हो गया हाँ बेटा कॉकरोच को अगर आप ना ऐसे साइड से ऑब्जर्व करो तो कैसा होगा तो कॉकरोच का ये क्या है डॉर्सल साइड अभी मैं आपको नर्वस सिस्टम में भी ये डायग्राम बना के बताऊंगी मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूं आपको कि डोर्सल और वेंटल जैसे बेटा आप अगर देखोगे ना तो कॉकरोच का दिल कौन से साइड में प्रेजेंट है ये रहा। ये रहा रहा इसका थर्टीन चेंबर बेटा तेरा इसके ऐसे प्रेजेंट होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेवन टर्टीन ठीक है और ये इसकी एंटीरियर एयोटा होती है ये इसकी एंटीरियर एयोटा होती है क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं रिलेट कर पा रहे हैं ठीक है अब मैं देखो वेंट्रल साइड पे भी आगे कुछ बना के आपको समझाऊंगी बेटा बड़ी कई अलग दूसरे दूसरे बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत सारी कैविटीज के बारे में मेंशन किया होता है पेरी विस्टल साइनस पेरी न्यूरल साइनस पेरी आ, फलाना साइनस ठीक है लेकिन कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डायफ्राम्स के बारे में मेंशन किया होता है बट बेटा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है आपसे नहीं पूछा जाएगा सिर्फ ये याद रखो पोजिशन डॉर्सल साइड पे है हार्ट की पोजिशन डॉर्सल साइड पे है डन 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 ये डन 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 ठीक है एक बारी मैं फटाफट से बेटा रिवाइज करा दू यहां तक फिर हम एक बारी बेटा अब बस बहुत छोटे छोटे से नर्वस सिस्टम बहुत छोटा सा 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 है सा है सा है सेंसरी स्ट्रक्चर बहुत बहुत छोटा छोटा एक्सक्रीटरी एक बड़ा आई थिंक विद इन फोर्टी फाइव मिनट कवर हो जाएगा सारा कुछ ठीक है यस yes? यस yes? तो चलो एक बारी बेटा ये एनसीआरटी का डायग्राम आप देख सकते हो फटाफट से बेटा एक बारी दो मिनट में समाप्ति एक्सप्रेस से बेटा रिवाइज करते हैं तब तो तक आप पानी पी लो ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा फोरग मिड गट हाइनगोरगट बेटा माउथ माउथ लीड्स टू फायरिंग फेरिंग्स टू ईसोफेगस टू क्रॉप क्रॉप टू गिजर्ड ठीक है One pair of gland, one pair of होता है सिक्स टू एटेटिक सी के जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर रही होती है मिडगट के बाद आता है hindgut, ileum, colon, रक्तम रक्तम ओपन आउटसाइड वाया एनस अगर मैं बात करूं मिड और हाइन गट के जंक्शन की उसमें पाए जाते हैं ग्रीनिश येलो एक्सक्रीटरी ऑस्मो रेगुलेटरी मेल्फिगेंट ट्यूब्यूल्स 100 टू 150 इन नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है ट्रेक, ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इंसेक्ट्स में पाया जाता है ब्लड का कोई रोल नहीं होता हिमोलिम का कोई रोल नहीं होता सिंपल डिफ्यूजन हो रही होती है इसके अंदर इसके बॉडी के साइड में बेटा ओपनिंग्स होती है जिसे बोला जाता है स्पाइरिकल्स टेन पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं इनके पास स्पाइरिकल्स के अंदर बेटा स्पिंगटर्स होते हैं जो उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं स्पायरिकल से बेटा ट्रेकिया ट्रेकिया जाती है ट्रेकिया ब्रांच करती है में, और बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं टिश्यू के तो हवा जो होती है स्पाइरिकल से होते हुए ट्रेकिया ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकिओल्स, और से सिंपल डिफ्यूजन से आपके टिश्यूज को मिल जाती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का हीमोलिम्फ कलरलेस ब्लड को बोला जाता है जो हीमोसील या बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते, है, होते हैं ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है हीमोसाइट्स और लिक्विड पार्ट होता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मा कोई रोल नहीं है बेटा क्योंकि कोई हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में रोल नहीं है बात करते हैं हार्ट की थर्टीन चेंबर हार्ट हार्ट चेंबर हार्टीन साइड पे प्रेजेंट होता है फैन शेप एलरी मसल्स होते हैं दो चेंबर के बीच में एक इसीलिए पेयर इन नंबर हार्ट में लेटरल साइड पे ओपनिंग्स होती है जिससे कि बेटा एक्चुअल में एंटर कर रहा होता है इनका ब्लड या हिमोलियम जिसे बोला जाता है ऑस्टिया फर्स्ट चेंबर से एक ब्लड वैसे आपको दिख रही है जो हेड के साइनस में ओपन होती है सेफेलिक साइनस के अंदर अंदर हिमोलिम हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में ही पंप होता है दैट्स इट दैट्स इट डन एन एड डन यस डन एन एड डन एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी क्लियर हो गया आगे बढ़ जाए बेटा कंजूसी मत करो यार जब मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रही एनर्जी में कंजूसी नहीं कर रही तो तुम कहे कमेंट्स में भी बेटा लेक्चर के बाद तुम कमेंट्स में भी कंजूसी करते हो बेटा इतने कंजूस ना बनो ठीक है प्यार दो यार ठीक है और प्यार तुम्हारे वैसे स्कोर्स के फॉर्म में भी होगा मार्क्स के फॉर्म में भी होगा सिलेक्शन के फॉर्म में भी होगा ठीक है क्लास में याद हो रहा है सभी बच्चों को क्या सभी बच्चों को क्लास में भी याद हो रहा है यस एवरीबॉडी बड़ी यस बेटा बढ़िया तो तभी होगा जब आप क्लास में लेक्चर को याद भी करेंगे तो बेटा शुरू करते हैं शुरू करते हैं बच्चों यस yes? शुरू करते हैं बच्चों किससे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है बहुत ही छोटा सा वैसे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा तो बड़ा बचा हुआ है बाकी सब छोटू छोटू से है ठीक है बेटा देखो मेनली इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मेनली इनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है मेलफीगियन ट्रिब्यूल मेलफीगियन ट्रिब्यूल ठीक है ना मेनली क्या है मेलफिगियन ट्रिब्यूल जो आप पढ़ चुके हो 100 से 150 फिफ्टी इन नंबर येलो ग्रीनिश येलो दिया या ये येलोइ ग्रीन दिया हुआ एक बार देख लो बेटा एक ही बात होती है फिर भी एक बार देख लो ग्रीनिश येलो बोल सकते हो एक्सक्रीटरी ऑस्मो रेग्युलेटरी तो है ही कैसे एक्सक्रीशन कर रही है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगी मेलफिक का लेकिन इसके अलावा भी बेटा येलोइ ग्रीन दिया हुआ है ठीक है ठीक है येलोइ ग्रीन ही लिख लेते हैं ना जो एनसीआरटी में दिया हुआ है तो येलो इश ग्रीन लिख लेते हैं नंबर लोकेशन सब हमने पहले लिखा हुआ है तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूं ताकि पोथियां ना बने लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी इनमें दिखते हैं अदर स्ट्रक्चर्स भी इनमें एक्सक्रीटरी दिखते हैं जैसे कि बेटा क्या क्या दिखता है जैसे कि आपको नंबर वन फैट बॉडीज दिख सकती हैं जैसे कि आपको नंबर वन फैट बॉडीज दिख सकती हैं नंबर टू बेटा नेफ्रोसाइट्स दिख सकते हैं राइट right? ठीक है इसके अलावा मेल्स में सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाने वाला क्योंकि ये मशरूम ग्लैंड से रिलेटेड है ठीक है यूरिकोज ग्लैंड यूरिकोज ग्लैंड ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में मिलता है बाकी मेल फीमेल दोनों में है ओनली इन मेल अब देखो ये वाली बात तो बहुत छोटी सी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर है क्या क्या स्ट्रक्चर है और कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल में प्रेजेंट होता है? लेकिन मैं आपको ना अच्छा प्रोडक्ट क्या है बेटा हम लोग क्या होते हैं हम लोग क्या होते हैं बेटा हम क्या इलिमिनेट आउट करते हैं बॉडी के बाहर हम इलिमिनेट आउट करते हैं यूरिया तो हम होते हैं यूरी ओटेलिक बर्ड ठीक है यूरिक एसिड रिलीज करते हैं और अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे इंसेक्ट्स भी जो होते हैं जो टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यूरिक एसिड रिलीज कर रहे होते हैं बॉडी के बाहर बिल्कुल सही और इसीलिए बेटा उनको बोला जाता है यूरी को सी आ गया ना यूरी को ठीक है पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स अमोनिया रिलीज करते हैं ठीक है ना ठीक है तो धरती पे रहने वाले इंसेक्ट और धरती पे ही तो है ना कॉकरोच कौन सा बेटा बादलों में है कि पानी में तो धरती पे रहने वाले इंसेक्ट क्या कर रहे हैं यूरिक एसिड रिलीज करते हैं तो ये कैसा है ये ये क्या क्या है? अरे यार ये क्या एलिमिनेट आउट करता है बेटा स्टार मार्क करना सब कुछ ही मार्क है क्योंकि सब कुछ एनसीआरटी वाला है एलिमिनेट आउट यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट यूरिक एसिड इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बेटा यूरिकोटेलिक एनिमल इसीलिए इसे क्या बोला जाता है यूरिकोटेलिक एनिमल मैं आपको अभी मेलफिगन टिब्यूल का एक डायग्राम बना के एक बात एनसीआर की और बताने वाली हूं फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा ठीक है आप मेरे को एक बात बताओ बेटा क्या इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रू या फॉल्स बताना क्या इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके एनस से बाहर आएगा यस जल्दी मेरे को बताओ क्या इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके एनस से बाहर आएगा यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी yes, जल्दी बताओ जल्दी बताओ यस यस फॉल्स मत बोलो फॉल्स मत बोलो नलायक हो हाँ हा भाई हाँ। पता है क्यों पता है क्यों अब आप खुद करेक्ट करोगे अपने आप को। इसको बेटा पॉज इसको बेटा फुल स्टॉप करके लिख लो मैं आपको लास्ट एक बेटा मेलफिक से रिलेटेड चीज बता रही हूं ठीक है देखो ये मैं बना रही हूं इनके मिडगट का ट्यूब ये मैं बना रही हूं मेल्फिगिन टिब्यूल ये मैं बना रही हूं हाइंड गट मैं एक मेल्फिगन टिब्यूल दिखा रही हूं बेटा क्या आपका मेलफिगन टिब्यूल आपका नहीं कॉकरोच का मेलफिगेन ट्रिब्यूल मिडगट और हाइंड गट के बीच में प्रेजेंट है क्या मिडगट और हाइंड गट के बीच में प्रेजेंट है यस yes? यस yes? क्या सबको लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों आपके हाइंड गट से ही बाहर आएगा यस yes? हा तो ये इनका क्या है ये इनका मेलफिगेन ट्रिब्यूल है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना बेटा एपिथेलियल सेल्स वो होते हैं और ग्लैंडर होते हैं और ये NCRT में कहा गया है और कई सारे बच्चों को आ, आ, आप हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं और एग्जाम में एनसीआर हमें इग्नोर कर देती है बदला ठीक है तो एनसीआरटी वाली बातें याद रखना काहे को इधर उधर बेटा भटकना है तो एनसीआरटी कहती है मेलफिगन टिब्यूल के जो सेल्स होते हैं दिस इजन टिब्यूल मेल्फीगिन टिब्यूल के जो सेल्स होते हैं बेटा ये सेल्स होते हैं सिलियेटेड एंड ग्लैंडुलर ये होते हैं सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर लिख लो यहां पे दी सेल्स आर बेटा सिलिएटेड प्लस ग्लैंडुलर एपिथीलियम मूवमेंट के लिए और सिक्रीशन के लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्लियर है मैं बस एक अतिरिक्त बात यहाँ पे बताऊंगी जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है बस इसीलिए. होते हैं। ये जो बाहर का, ये और बेटा इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इसी हिमोलिम्फ में प्रेजेंट होगा यस और नो दिस इज वॉट दिस इज देयर हिमोलिम्स दिस इज देयर हिमोलिम्प बच्चा पार्टी यस एवरीबॉडी और इसी हिमोलिम्प के अंदर बेटा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है जो एक्चुअल में पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में प्रेजेंट है ये एनसीआर में गिवन नहीं है बच्चों आपको अगर याद नहीं होता है तो आप टोटली स्किप कर सकते हो लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको मैं एक चीज बताना चाह रही हूं यहां पे कि एक्चुअल में जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो इस हीमो के अंदर बेटा क्या होता है डिजोल्व होता है ये अल्टीमेटली ये अल्टीमेटली बेटा ये एक्स्ट्रा है आप चाहो तो मतलब छोड़ सकते हो मैं लिख भी दे रही हूं ये अल्टीमेटली बेटा अंदर जाके कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड ये अंदर जाके इस एपिथीलियम की मदद से बेटा सेल्स की मदद से कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जिसे ये फर्दर यूटिलाइज करता है यूरिक एसिड में कन्वर्जन होती है बस मेरे को ये बताना था कि एक्चुअली यूरिक एसिड यहां बनता है और यही जो यूरिक एसिड होता है ये यह अल्टीमेटली यहां से पास होके हाँ गट से एलिमिनेट होगा क्या कोई दुख दर्द समस्या क्या कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक यस इट बेटा एनसीआरटी कवर्ड एनसीआरटी कवर्ड कोई दुख दर्द समस्या यस yes? डन डना डन डन एवरीबॉडी डन डनाडन डन आगे बढ़ यस yes. हा स्पीकर अरूप यस yes. मजा आ रही है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया अब देखो बेटा अगेन बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर दैट इज सेंसरी स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं मैंने मेनली बेटा लिख भी दिए मैं बस आई के बारे में उसके पढ़ाऊंगी सेंसरी ऑर्गन क्या बेटा जो टेस्ट को फील कर सके जो आसपास के एनवायरमेंट को डिटेक्ट कर सके टच को फील कर सके तो बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स है इसके पास एंटीने आईज, मैक्सिला के ऊपर बेटा दिखाए मैंने palps, के पैल्प मैंने स्ट्रक्चर दिखाए लेबियल पैल्प और मैंने दिखाया एनल सरकाई सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं uh, भाई मेरा ये ना चार्ज पे भी लगा देना है चार्जर ठीक है ठीक है यस यस एवरीबॉडी ठीक है yes, fast, beta, yes. अब बेटा देखो सबने मक्खी मूवी देखी है मक्खी मूवी आई थी मक्खी हूं मक्खी सैर कर की ऐसे करके उसमें एक गाना था मक्खी हूं मैं मक्खी सैर कर की ठीक है उसमें बेटा बिंदु ऐसे करके एक गाना भी था ठीक है उसमें उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत ही क्यूट 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 उसके कपड़े बनाती थी वो ठीक है देखा है तो बेटा उस मक्खी की आंख अगर देखोगे ना है तो इनसेक्टी अगर तुम इसकी आंख को देखोगे ना बेटा तो इसकी आंख आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि यूजली ना ऐसी आंख दिखाई जाती है तो इसकी जो विजन होती है ना इसको जो देखने के जो काम में आती है वो होती है कंपाउंड आइज कंपाउंड आइज विजन के काम में आती है राइट बच्चों ठीक है अगर मैं मैं इनकी कंपाउंड आइज के बारे में ही बता रही हूं क्योंकि एनसीआर में कंपाउंड आइज के बारे में ही डिस्क्राइब किया हुआ है जो इनके विजन में काम आती है अगर मैं इनकी देखो इसका मुंह बनाती हूं पहले तो मैं पहले मैं इसका मुंह बनाती हूं मतलब मुंह क्या बनाया मैंने मैंने इसका सर बनाया और फिर वही वाले स्ट्रक्चर बना रही हूं, हूं कार्टून फॉर्म में या कहीं पे भी जब आंखों को दिखाया जाता है ना इंसेक्ट्स की तो कुछ इस तरीके की आंख यूजुअली दिखाई जाती है ईच कंपाउंड आईज बेटा ईच कंपाउंड आई हैजू थाउजेंड कॉल्ड एज या सिंगुलर ओमैटीडियम क्या मेरी बात समझ आ रही है सारी जनता को यस माय सपोलास यस माय आर्मी यस एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे क्या समझ आ रही है बात यस yes? अरे सॉन्ग गाएंगे लास्ट में गाएंगे गा तो दिया था बिंदु <laughs> तो बेटा इस तरीके के हर बेटा ये भी ध्यान रखना ईच कंपाउंड आइज करके दिया हुआ है ईच कंपाउंड आइज ठीक है यस yes? देखो बेटा जी बेटा क्लास में याद होना चाहिए आपको हर एक चीज ईच कंपाउंड आइज वेद वेद टू थाउजेंड 2000 से मुझे गाना याद आया जब तुम बोल ही रहे हो बेटा जब तुम पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे पैदा तो हो ही गए होंगे ना हो अरे नहीं तुम नहीं पैदा हुए थे यार तुम तो कितने साल के बच्चे हो गए मुझे नहीं पता बेटा पैदा हुए या ना पैदा हुए हो सुनो मेरी बात एक 2000 के टाइम पर एक गाना आया था देखो 2000 जमाना आ गया मिल के जीने का समथिंग आ गया ठीक है एनी anyway, वे पता नहीं बहुत ही अनरिलेटेड बात थी ठीक है तुम्हारा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया होगा तुम तो पढ़ते पढ़ते तुम्हें तो सबसे ज़्यादा मौत आती है मेरे को मौत नहीं आ रही है खड़े होकर मौत आ रही है विजन के काम में आ रही है ठीक है हाँ हाँ टू थाउजेंड अपना डेट ऑफ बर्थ कर, दे के अभी शो ऑफ कर रहे हैं चलो बस करो हम्म तो दि, दि, दिस इज कॉल्ड एज बेटा ओमाटीडिया बस करो बेटा बस करो या पर सुना तो हो गया यार, तुम लोगों ने ये गाना ठीक है इसी के हेल्प से बेटा विजन होती है लेकिन इनके विजन को बोला जाता है मोजाइक मोजाइक विजन मोजाएक विजन का क्या मतलब है बेटा मोजाइक विजन का मतलब होता है कि ये इमेज को टुकड़ों में देखते हैं टुकड़ों में मतलब बिट्स एंड पीसेस में इमेज फॉर्म होती है ठीक है मोजाइक विजन स्टार मार्क करना बिट्स एंड पीसेस में बेटा इमेज फॉर्म होती है इमेज बिट्स एंड पीसेस में फॉर्म होती है इमेज इन बिट्स एंड पीसेस हालांकि बेटा ये क्या है? ये है तो क्या क्या तो एनिमल्स। बट बेटा बहुत ही खतरनाक नॉक्टर्नल एनिमल्स है इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है हाई क्योंकि कम लाइट में भी काम कर रहे हैं बट इनका जो रेजोल्यूशन होता है यानी जो क्लैरिटी होती है वो होती है कम रेजोल्यूशन पुअर सेंसिटिविटी ज्यादा ठीक है क्योंकि रात में काम कर रहे हैं। बेटा रॉड्स और कौन जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें भी यही 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 आ, वो क्या बोलते हैं उसको तो यही एक्सप्लेनेशन होती है कि रॉड्स ना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो कम लाइट में काम करते हैं डिम लाइट में काम करते हैं कई लोग कहते हैं डार्क में काम करते हैं तुम्हारा ही करता होगा बेटा डार्क में काम डार्क में किसको दिखता है डिम लाइट ठीक है तो वहां पर भी यही लॉजिक बनता है कि आ, क्योंकि कम लाइट में इसलिए सेंसिटिव ज्यादा है बट रेजोल्यूशन कम है ठीक है तो आप लिखेंगे सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी मोर पुअर रेजोल्यूशन पुअर रेजोल्यूशन दैट्स इट सेंसरी स्ट्रक्चर खत्म सेंसरी स्ट्रक्चर खत्म यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी ठीक है डन डेन डन डन अना डेन डन ठीक है खत्म आगे बढ़े लिख लिया यहां तक बच्चा पार्टी अब हम बात करेंगे बेटा नर्वस सिस्टम की बहुत ही छोटा सा है बहुत ही छोटा सा है बच्चों ठीक है नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहली बात तो बेटा मैंने एनसीईआरटी की कुछ लाइंस लिखी हुई है जिसमें मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स किया हुआ है तुम्हारे लिए तो आप मेरे को आंसर देंगे आप मेरे को आंसर देंगे और मैं डायग्राम बनाऊंगी इसके लिए दो डायग्राम ठीक है आप मेरे को बताइए मैंने यहां पर एनसीआरटी की कुछ लिखी हुई है। में में क्या आएगा? कामना का का सबसे पहले आंसर आंसर आया। हर्षित का भी है। Very good, यार, बहुत सारे बच्चों का टीएस क्रिकेट का भी आंसर आया कि इनके नर्वस सिस्टम में कुछ सेगमेंटली अरेन्ज गैंगलिया नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी अगर आपको यहां से समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी अगली बात जो मैंने लिखी हुई है बेटा डैश गैंगलिया लाई इन एंड डैश गैंग लाई इन दी दबडोम टोटल इनके पास कितनी गैंगलिया थोरैक्स में कितनी गैंगलिया बेटा थ्री एंड सिक्स थ्री गैंगलिया इन एंड दिक्स गैंग्लिया इन दी दबडोम होती है राइट और लास्ट एक लाइन मैंने लिखी हुई है जिससे नीट में सवाल भी आया हुआ है देड होल्ड ऑफ नर्वस सिस्टम रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग डैश पार्ट ऑफ द बॉडी डॉर्सल या वेंट्रल पार्ट डॉर्सल बायोलॉजी शॉर्ट ट्रिक आंसर दे रही है डॉर्सल और वेंट्रल तेरे नाम के जैसा ही तूने आंसर दिया है कि खुद मैम पहचान लो अब आप डॉर्सल होगा या तो वेंट्रल होगा आप खुद टिक कर लो नलायक बेटा वेंट्रल साइड पे होता है अब बेटा मैं हर एक लाइन को तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूं मैं हर एक लाइन को अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूं पहले मैं कॉकरोच को ऊपर से देखूंगी ऊपर से देखूंगी और ऊपर से डॉर्सल पार्ट को नहीं देखूंगी डॉर्सल पार्ट में तो क्या है इसका दिल होता है मेरी बात आप ध्यान से देखो बेटा सीरियसली सुनो मैं कॉकरोच को ऊपर से एक बार, एक बार देख के उसका डायग्राम बनाऊंगी और मैं कॉकरोच को साइड से देख के एक बार उसका डायग्राम बनाऊंगी नर्वस सिस्टम को डबल क्लियर करने के लिए ठीक है लेकिन जब मैं उसको ऊपर से देखूंगी ना बेटा ऐसे तो मैं उसके डॉर्सल पार्ट पे क्या है उसको इग्नोर कर दूंगी मतलब उसके हार्ट को इग्नोर कर दूंगी मैं ऊपर से जब झांक के उसको देख रही हूं खोल के तो मैं उसके साइड को ऑब्जर्व कर रही हूं. तो मैं मैं उसके किसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व साइड पेट को कर रही हूं. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं ऐसे खोल के देख रही हूं और वेंट्रल पार्ट को उसके ऑब्जर्व कर रही हूँ और फिर मैं बेटा साइड से भी एक उसका डायग्राम बनाऊंगी हम्म यस तो एक बार डायग्राम बनाते हैं इसके नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक काम करती हूँ ना बेटा यहां पे नहीं जहां मैं दोनों डायग्राम एक साथ बना पाऊं मैं वहां पे बनाती हूँ तो मैं दोनों डायग्राम को यहां पे बना पाऊंगी तो तुम रिलेट भी कर पाओगे ठीक है बेटा इसको बना के अगर देखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा और एक मैं बना रही हूं ऐसे कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर का बन जा रहा है कॉकरोच कॉकरोच कम स्नेल ज्यादा लग रहा है रुको यार बेटा ठीक है ठीक है चलो ये दो डायग्राम तो एक मैं बनाती हूं पहले यहां ये बनाना है मुझे ये गैंगलियन बनाई मैंने एक गैंगलियन यहां बनाते हैं अब मैं दोनों डायग्राम को आपको बढ़िया से रिलेट करवाऊंगी प्रॉमिस है ये ठीक है बस आप जब मन लगा के इसे सुनते जाओ कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ठीक है बेटा कॉकरोच को बॉडी से मत करो कैसे बच्चे हो यार कर रहे हो कॉकरोच की ठीक है थोड़ा ज्यादा खा लिया तो क्या हुआ तुम्हारी छोड़ी भी लौकी खाई थी इसने तुम खा लेते बेटा चार पाँच ज़्यादा मोटा बना दिया तो थोड़ा ना छोटा बनाती हूँ एक दो तीन चार पांच और छः ठीक है हां देखो बेटा बनाते जाओ बढ़िया से समझ में आएगा अभी मैं आपको समझाती भी जा रही हूं ये मैं क्या कर रही हूं बेटा ये जो मैं क्या कर रही हूं क्या क्या मतलब ये मैं पढ़ा रही हूं और क्या कर रही हूं देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये मैंने उसको काटा और उसको मैंने उसके पेट वाली साइड में ऑब्जर्व किया कि कैसे स्ट्रक्चर है और ये मैं कौन सा डायग्राम बना रही हूं कॉकरोच को साइड से ऑब्जर्व कर रही हूं जब मैं कॉकरोच को साइड से ऑब्जर्व कर रही हूं इस डायग्राम से इस डायग्राम की क्लैरिटी बहुत जबरदस्त होती है देखो ये कॉकरोच का कौन सा साइड है बेटा डॉर्सल साइड बेटा क्या ये डायग्राम एनसीआरटी में है बिल्कुल नहीं है तो मैम आप क्यों बना रहे हो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बना रही हूं ना कि मैं इसलिए बना रही हूं कि डायग्राम पूछा जाएगा ठीक है बेटा देखो ये है डॉर्सल साइड ये है वेंट्रल साइड कॉक्रोच का बेटा आप मुझे पहले तो आंसर दो इस वाले साइड पे कॉक्रोच का क्या प्रेजेंट है डॉर्सल साइड पे कॉक्रोच का क्या प्रेजेंट है बेटा डॉर्सल साइड पे कॉक्रोच का क्या प्रेजेंट है बेटा क्या मैं कह सकती हूं कि ऊपर डॉर्सल साइड पे कॉक्रोच का हार्ट प्रेजेंट है ठीक है हार्ट प्रेजेंट है कॉक्रोच का नर्वस सिस्टम कौन से साइड पे होता है वेंट्रल साइड पे होता है और अगर आप एनिमल किंगडम देखोगे तो एनिमल किंगडम ने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि कॉकरोच में या नॉन कॉर्डेट्स में एनिमल किंगडम अगर अगर में में नर्व नर्व कॉर्ड कॉर्ड नाम की स्ट्रक्चर हमारे बेटा हो चुका होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन और हमारे पास डॉसर साइड में नर्व कॉर्ड इनके पास दो नर्व कॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस भी यही है, है हमारे पास सिंगल नर्व कॉर्ड होता है कॉर्डेट्स में इनके पास दो नर्व कॉर्ड होते हैं हमारे पास डॉर्सल साइड पे होता है इनके पास वेंट्रल साइड पे होता है हमारा नवकोड अंदर से खोखला होता है खोखला मतलब हॉलो होता है इनका होता है सॉलिड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अब देखो इनका जो ब्रेन होता है ब्रेन गैंग्लिया क्या होते हैं गैंग्लिया सेल बॉडीज का फ्यूजन होता है सेल बॉडीज का कलेक्शन कहलाता है गैंग्लियॉन मैंने यहां पे इनके सर पे सर के अंदर बेटा एक गैंगलियन बनाई हुई है इस गैंगलियन को बोला जाता है सुप्रा सुपरा का मतलब होता है अबव ईसोफेजियल यानी ईसोफेगस के ऊपर सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियन इनके नाम से इनका मतलब तुमको समझ लगना चाहिए अगर नहीं लग रहा है तो बेटा समस्या है और इस पीले वाले को मैंने बोला सब ईसोफेजियल सब ईसोफेजियल गैंगलियन सब

और इधर तो बेटा इनका हार्ट ही प्रेजेंट है ऑब्वियस सी बात है आपको नजर आ रहा है बेटा एक गैंग्लियन ये ईसोफेगस है ये ट्यूब है ईसोफेगस की एक गैंग्लियन ईसोफेगस के ऊपर है एक गैंग्लियन ईसोफेगस के नीचे है जो ऊपर है वो ही तो रिप्रेजेंट करता है ब्रेन ऑफ कॉकरोच सो दिस इज कॉल्ड एज सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन दिस इज कॉल्ड एज बिलो द ईसोफेगस सब ईसोफेजियल गैंग्लियन क्या समझ में बात क्या सबको समझ में आ रही है बेटा एक बार मेरे को थम्स अप दे दो है ना तो मैंने बेटा देखो ये टू डी है टू डी में थ्री डी को समझना मुश्किल है लेकिन ये थोड़ा सा टाइप का आपको दिखेगा तो अगर मैं यहाँ पे लेबल करना चाहूं ना बेटा तो ये सुपरा ईसोफेज गैंग्लियन है और ये सब ईसो गैंग्लियन है ठीक है ठीक है बेटा और इनके बीच में इस तरीके से एक नर्व रिंग बनती है जो एनसीआरटी में दिया नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी ठीक है लेकिन ये जरूर एनसीआरटी कहती है कि इट रिप्रेजेंट ब्रेन ऑफ कॉकरोच लेकिन इनके ब्रेन का ज्यादा काम नहीं है बेटा इट रिप्रेजेंट ब्रेन ऑफ कॉकरोच क्यों इसके ब्रेन का ज्यादा काम नहीं है क्योंकि ब्रेन का जो सप्लाई होता है वो लिमिटेड है बेटा ब्रेन पूरी बॉडी को कोई सप्लाई नहीं कर रहा होता लेकिन जैसे हमारे केस में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा ब्रेन ब्रेन गॉन तो गॉन लेकिन इनके केस में ब्रेन का इतना बड़ा रोल नहीं होता है ब्रेन सिर्फ बेटा कुछ माउथ पार्ट एंटीने का मेजर कंट्रोल मेन कंट्रोल रेस्ट ऑफ द गैंगलियॉन की मदद से होता है बॉडी का मेन कंट्रोल मेजर कंट्रोल रेस्ट ऑफ द गैंगलियन की मदद से होता है ब्रेन का कंट्रोल लिमिटेड होता है इसीलिए एनसीआरटी कहती है इफ यू चॉप इफ यू कट दी हेड ऑफ द cockroach, इट कैन स्टिल survive फॉर वन वीक हालांकि बेटा खाना पीना नहीं खाएगा हमारा बेचारा मोटा ताजा कॉकरोच तो मर ही जाएगा बेटा और काट के नहीं देखना है उसके गर्दन को फिर कहोगे मैम हमारा वाला तो इमीडिएटली मर गया अरे भाई मैक्सिमम देखा गया है कि सात दिन तक जिंदा रह सकता है क्योंकि भाई इसके हेड का जो ब्रेन का कंट्रोल है वो कंट्रोल कम है रेस्ट गैंगलियोन का बॉडी पे कंट्रोल ज्यादा है ठीक है क्या समझ आ गई बात क्या समझ आ गई बात मैं इसके बारे में बेटा लिख दूंगी अभी नहीं लिख रही हूं मैं ठीक है और ये बेटा ऑफकोर्स तीन थोरासिक गैंगलियन, ये आपके तीन थोरासिक गैंगलियन और ये आपके छह एबडोमिनल गैंगलियन, ठीक है तो यहां पे गैंगलियॉन्स को आप ऐसे बना भी सकते हो ये एक दो तीन थोरासिक गैंगलियॉन और एक दो तीन चार पांच छह एबडोमिनल गैंग्लियन और मैंने क्या कहा इनके पास नर्व कॉर्ड होती है इनके पास नर्व कॉर्ड होती है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड तो ये रही इनकी नर्व कॉर्ड ये रही इनकी नर्व कॉर्ड दिख रहा है सभी को दिस इज डबल वेंट्रल डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड क्लियर है यहां तक सभी को ठीक है, बेटा जी बेटा जी वो बातें मैं एक दो बातें लिख दे रही हूं बेटा आपको समझ आ रहा है ना मैंने डायग्राम जो बनाया आपको समझ आ रहा है ना इनकी पोजिशन इस तरीके से नर्व कॉर्ड ठीक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बस बेटा वो वाला पॉइंट लिख दे रही हूं कि ब्रेन का कंट्रोल बहुत कम होता है और वो एक हफ्ते तक जिंदा रहता है फिर हमारे पास एक लास्ट सिस्टम बन जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है कितने बच्चे बने हुए हैं यार कोई मुझे बताएगा कितने बच्चे बने हुए हैं हम्म, कितने बच्चों को मौत आ चुकी है और कितने बच्चे चलो 4.2 पॉइंट बच्चे देख रहे हैं फोर चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आग लगा दो आग लगा दो आप बेटा हम आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट में लिख दे रही हूं नोट डाल के फिर बेटा हम लास्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे बस हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है हम नोट डाल के लिखते हैं बेटा हम लिखेंगे यहां पे कि सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन सुपरा ईसो फेजियल -फे सुपरा यस represents represents brain of cockroach brain of cockroach and its supply is its supply is limited to limited to head area that's that, uh, which is why, which is why, if we cut the head, it can still survive, it can still survive for one week. बेटा जी यहां पे भी, भी आप देख सकते हो जो बातें मैंने आपको बताई उसी को मैं यहाँ पे वापस देखो मैंने क्या बताया था नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉकरोच ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेन्ज गैंग्लिया सेगमेंटली अरेन्ज थोरैक्स में एपडोम में गैंग्लियस होते हैं तीन थोरैक्स में छह एपडोम में हेड में बहुत ही कम पार्ट होता है इसीलिए उसके सर को काट भी दो इट कैन स्टिल सर्वाइव फॉर एज गुड एज वन वीक वेंटर, बेली वाले पार्ट पे डबल एंटर सॉरी नर्व कॉड डन डन अरे यार एक बार मेरे को बताएंगे बेटा आखिरी पड़ाव के लिए मैं आप लोगों के लिए आज के लिए मैं आखिरी बार पूछने वाली हूं कि हाउ इज दी जोश तो इस तरीके से नहीं पूछेंगे अच्छे से पूछेंगे मेरे को बताएंगे सारी मेरी 4.2 के सपोला वाली जनता हाउ इज बॉक्स क्या आप बेटा इस चैप्टर के आखिरी पढ़ाव के लिए आखिरी दाव के लिए रेडी है बेटा दैट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर सम ऑफ द पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल मैं हमेशा इलेवन अर्जुना को जब पढ़ाती थी, थी। इससे आपको इतनी अच्छी तरीके से बेटा याद होगा प्रॉमिस है तीन तीन पार्ट्स तो एटलीस्ट बिल्कुल कंपेयर हो जाएंगे ठीक है बाकी जो वाला है, उसको मुझे सेपरेटली बताना पड़ेगा yes? तो और मैं ना बेटा मेल और फीमेल को थोड़ा कंपेयर करूंगी मैं मेल के टेस्ट को फीमेल के ओवरी से वैस डिफरेंस को इजैक्यूलेट को ओवीडक्ट से कंपेयर करके पढ़ाऊंगी ठीक है फिर पीवाई की तो करेंगे यस yes? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच और सबसे पहले हमने टेस्टिस के बारे में लिखा हुआ है तो हम ऑफ कोर्स टेस्टिस से ही शुरू करेंगे जितना मैं बना पाऊंगी मैं बना दूंगी और बाकी तो मैं एनसीआरटी का डायग्राम लेके आई हूं बेटा कितना टेस्टिस होता है इनके पास हाउ मेनी टेस्टिस डू दे पेयर आप बता सकते हो और बाकी तो डायग्राम मैं बना रही हूं यहां जनता जल्दी से बताइए जनता ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया है हाँ तो कुछ व्यक्ति मेरे डायग्राम को देख के कह रहे हैं छह टेस्टिस होते हैं इनके पास जो पढ़ चुके हैं उनको पता है कि वन पेयर ही टेस्टिस होते हैं ठीक है असल बात बेटा यही है थोड़ा बेटा ये डायग्राम गंदा बन गया मैं इसको थोड़ा सुधार लेती हूं अरे ये दूसरा ये तीसरा एक्चुअल में बेटा टेस्टिस इनके पास वन पेयर ही होती है बट ईच टेस्टिस इज ट्राई ट्राइलोब्यूलर होती इनके पास टेस्टिस क्या है बेटा मैं पॉइंट भी यहीं पे साइड में लिखती जा रही हूं एक्चुअल में इनके पास टेस्टिस होती वन पेयर है बेटा लेकिन ईच टेस्टिस इज ट्राई ट्राइलोब्यूलर ईच टेस्टिस ट्राई ट्राइलोब्यूलर मतलब कि तीन लोब्स होते हैं बेटा एक टेस्टिस के अंदर तीन लोब्स होते हैं जैसा कि आपको इस छवि में भी नजर आ रहा है समझ आ रही है One, two, ये एक टेस्टिस के तीन लोब्स हैं ये दूसरी टेस्टिस के तीन लोब्स हैं बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा हां पूछी भी जाती है आपसे कि टेस्टिस इज लोकेटेड इन विच सेगमेंट इट इज लोकेटेड इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट ठीक है यस yes. ठीक है तो हम लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन फोर्थ से लेके सिक्स एबडोम सेगमेंट बेटा काम क्या होगा ये भी बताने की अगर जरूरत है तो फिर बेटा जोलॉजी काय के लिए पढ़ रहे हैं हम काम क्या करेगी बेटा ये क्या काम करेगी बेटा ये वॉट फंक्शन इट इज गोइंग टू डू इट इज गोइंग टू हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस मतलब जनरेशन जनरेशन की फॉर्मेशन कह सकते हैं बच्चा पार्टी, फीमेल में टेस्टिस की जगह क्या बनाऊंगी बेटा ओवरी बनाऊंगी टेस्टिस की जगह मैं क्या बनाऊंगी बेटा ओवरी बनाऊंगी तो मैं एक जगह पे क्या करती हूँ ना यहाँ पे जैसे कि मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने मेल्स केस में बनाया था टेस्टिस फीमेल के केस में बना देते हैं ओवरी तो ये मैंने बनाया एक ओवरी ठीक है तो जैसे कि बेटा फीमेल मेल के केस में वन पेयर ऑफ टेस्टिस थे फीमेल के केस में वन पेयर ओवरी है वन ओवरी है बस डिफरेंस ये है बेटा डिफरेंस ये है कि मेल में जैसे टेस्टिस ट्राईलोब्यूलर थे फीमेल के केस में अगर मैं ओवरी को देखू ना तो बेटा एक ओवरी के अंदर एक ओवरी के अंदर ऐसे बेटा सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं लंबे लंबे जिन्हें बोला जाता है ओवेरियोल एक ओवेरी के अंदर बेटा आठ ओवेरियोल होते हैं और दूसरे के अंदर आठ ओवेरियोल टोटल सोलह ओवेरियोल और एक बारी में ये सोलह अंडे दे सकती है सोलह एग दे सकती है क्योंकि टोटल कितने हैं सोलह ओवेरियोल क्या मेरी बात समझ गए सारे बच्चे ईच ओवरी विद ईच ओवरी विद इंडिविजुअल यूनिट होती है विद एट ओवेरियोल हर ओवरी के अंदर बेटा आठ ओवेरियोल होते हैं फिर आप क्या लिख सकते हो वन ओवेरियोल वन एग वन ओवेरियोल वन एग क्या समझ पा रही है जनता मेरी बात यह सभी बड़ी और इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है टेस्टिस इज लोकेटेड इन फोर्थ फिफ्थ सिक्स एबडोम सेगमेंट ओवरी इज लोकेटेड इन टू टू सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट क्या याद हो गया सभी को क्या याद हो गया सभी को ओवरी और टेस्टिस देखो मैंने बोला है बेटा मैं आपको याद करवाऊंगी अगर आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ोगे आप क्लास में याद करो बेटा और आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो हालांकि कुछ कुछ चीजें रटने वाली है बेटा नो डाउट बट बेटा आसान हो जाएगा ठीक है तो टू से लेके सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट तक ओवरी प्रेजेंट होती है डन डन

टेस्टिस से निकल रही होती है डक्ट उसे बोलते हैं वास डिफरेंस जो ओवरी से निकल रही होती है डक्ट उसे बोलते हैं ओविडक्ट क्या दुखद समस्या है बेटा वास डिफरेंस वन पेयर ओवी डक्ट वन पेयर अब मैं अगली एक बहुत प्यारी बात बता रही हूं देखो दोनों वास डिफरेंस दोनों वास डिफरेंस आगे जाके फ्यूज हो जाती है और बनाती है कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट जो मैं आगे दिखाऊंगी तो हर एक टेस्टिस से एक वैस डिफरेंस निकला क्या काम किया को कैरी किया दोनों फ्यूज करके क्या बनाया कॉमन डक्ट अब फीमेल में आओ एक ओवरी से एक ओवीडक् दूसरी ओवरी से दूसरी फ्यूज करके क्या बनाया कॉमन ओवी या फिर उसी को बोलते हैं वजाइना तो कॉमन ओवी वजाइना मेल में किससे कंपेयर कर रहे हो इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग मेल गोनोपोर वेजाइना की ओपनिंग या कॉमन ओविड की ओपनिंग फीमेल फीमेलोर क्या समझ आई सभी को बात क्या सभी को समझ में आई बात बेटा तीन तीन स्ट्रक्चर चार -चार स्ट्रक्चर कर दिए मैंने चार चार मैंने कंपेयर किया देखो वैस डिफरेंस मैंने बोला वन पेयर वैस डिफरेंस मैंने बोला वन पेयर तो इसमें बेटा बिल्कुल मौत नहीं आनी चाहिए आपको ऐसे ही क्लियर होना चाहिए राइट वन पेयर कैरीसप कैरी स्पर्म यार एक ना गर्म पानी भिजवा देगा यार कैरी स्पर्म और मैं इजैक्युलेटरी डक के बारे में बोल रही हूं बोथ वैस डिफरेंस फ्यूज बोथ वैस डिफरेंस फ्यूज टू फॉर्म कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट ठीक है इस कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को बोला जाता है ओपनिंग नोन एज मेल गोनोपोर बेटा मेल गोनोपोर की ओपनिंग कहां दिखती है पढ़ चुके हैं मेल गोनोपोर की ओपनिंग कहां दिखती है यस मेल गोनो लव फ्रॉम बिहार लॉट्स ऑफ लव टू बिहार बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यस कितना इजी कर दिया हां बेटा उद, उदाई बेटा यही बात है सिंपल तरीके से चीजों को पढ़ोगे थोड़ा सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो इजी है यार देखो हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है तरीका चाहिए होता है सिस्टमैटिक वे में हर चीज याद हो जाती है ठीक है कहां पे ओपन होता है ये कहां पे ओपन होता है ये यस इन द मेल जेनाइटल पाउच इन द मेल जेनाइटल पाउच इसको पॉज करके लिखो मैं ये सेम बात बेटा यहां पे लिखने जा रही हूं फीमेल के लिए फीमेल में ये हो गई बेटा क्या ये हो गई फीमेल की ओविडक्ट ये हो गई फीमेल की ओविडक्ट और ये ओविडक्ट बेटा फ्यूज करके बनाती है कॉमन ओविडक्ट ये ओविडक्ट फ्यूज करके बनाती है कॉमन ओविडक्ट कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग को बोलते हैं हम फीमेल जुनाइटर पोर या फीमेल गोनोपोर ठीक है यस यस फ्रेंड्स अब हम इसके बारे में लिखते हैं ओविडक्ट वन पेयर कैरीज एग मेरी आंखें बहुत जल रही है शायद इतनी लाइट्स हैं जबकि मैंने चश्मा पहना हुआ है बट इट इज अ लिटिल वॉटर ठीक है कैरीज एग और क्या बोलते हैं एक सेकेंड फ्यूजेस कैरीज एग बस अब मैं यहां पर लिख रही हूं ऑल्सो नोनेस ऑल्सो नोनेस कॉमन ओविडक्ट कॉमन ओवीडक्ट फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ ओवीडक्ट ओपनिंग इज कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर ओपनिंग नोन एज फीमेल जेनाइटल पोर या गोनोपोर क्लियर है यहां तक इसको लिख देते हैं बेटा ये है ओवरी ये है ओविडक्ट ये है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना लिख लो और ये होती है फीमेल

कॉमन ओविडक को बोलते हैं कॉमन ओविडक की ओपनिंग को बोलते हैं बेटा फीमेल गोनोपोर इजैक्यूलेटेड की ओपनिंग को बोलते हैं हम मेल गोनोपोर या मेल जोराइटर पोर तो मेरी जनता वापस से बेटा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे और बात करेंगे कुछ और स्ट्रक्चर्स की जैसे ग्रैंड होते हैं उनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास अब मैं पहले बना रही हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे समाइनल वेसिकल दिया हुआ है तो समाइनल वेसिकल कुछ इस तरीके के शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रहे ये मैं व्हाइट कलर के कुछ जो स्ट्रक्चर्स बना रही हूं इसे बोलते हैं समाइनल वेसिकल ठीक है मैं बनाती जा रही हूं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूं this is, this is बोल रही हूं दिस इज दिस इज वैस डिफरेंस और ये है बेटा समाइनल वेसिकल ये है बेटा समाइनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है क्योंकि समाइनल वेसिकल जो होता है ना बेटा इस समाइनल वेसिकल में स्पॉम थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो सकता है और स्पॉम आपस में चिपक जाते हैं ग्लूइंग होती है स्पॉम की ग्लू का मतलब होता है चिपक जाना जब स्पॉम आपस में चिपक जाते हैं ना बेटा तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर मैटोफोर तो कुछ नाम हैं जिनसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पर्मेटोफोर स्पर्मेथीका ऊथीका स्पर्मेटोफोर का मतलब होता है स्पर्म का चिपकना ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म और वो ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म कहां पे हो रही होती है सेमिनल वेसिकल में हो रही होती है हम और सेमिनल वेसिकल में ही स्पर्म की स्टोरेज भी हो सकती है समझ आ गई बात यस ठीक है तो मैं पहले लिखती हूं वाइट कलर्ड ियर स्पर्म्स आर ग्लूड टूगेदर स्पर्म्स आर ग्लूड टूगेदर और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म को स्पर मैटोफोर स्पर मैटोफोर स्टार मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पर मैटोफोर ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म ठीक है बेटा आशुतोष दिस इज द प्रॉपर्टी ठीक है और यहां पे स्टोरेज भी हो सकती है स्पॉम्स की स्टोर डी स्पॉम स्टोरेज नरिशमेंट भी हो सकती है नरिशमेंट के लिए और भी ग्लैंड हैं नरिशमेंट के लिए और भी ग्लैंड हैं अब जैसे कि बेटा यहां पे दिखता है इनके पास मशरूम ग्लैंड बनाओ मशरूम ग्लैंड थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अच्छे से बनाऊंगी ठीक है ये छोटे ट्रिब्यूल्स और ये लॉन्ग टिब्यून्स ठीक है यस yes? लोकेशन क्या होती है मशरूम ग्लैंड की कोई बताएगा और मशरूम ग्लैंड के ऊपर आपको फिफ्थ सेगमेंट पर एक ग्लैंड और दिख रहा होता है जिसे बोला जाता है फैलिक ग्लैंड जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं ठीक है तो मशरूम ग्लैंड जो आपको बेटा ऐसे रंगोली जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है मशरूम ग्लैंड के पिंक कलर के जो टिब्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं छोटे टिब्यूल्स उनको बोला जाता है सिक्स सेवेंथ वेरी गुड सिक्स सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में दिखता है ठीक है तो एक्चुअल में मशरूम ग्लैंड के ये जो बेटा पिंक कलर वाले छोटे टिब्यूल्स हैं इन्हें बोला जाता है शॉर्ट टिब्यूल्स ठीक है और ये जो बेटा बड़े बड़े लंबे लंबे दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है लॉन्ग टिब्यूल्स और ये शॉर्ट ट्रिब्यूल और लॉन्ग ट्रिब्यूल दोनों मिलकर बनाती है मशरूम ग्लैंड दोनों मिलकर बनाती है मशरूम ग्लैंड जिसका दूसरा नाम होता है बेटा यूरिकोज ग्लैंड सॉरी यूट्रिक्यूलर ग्लैंड यूट्रीक्यूलर ग्लैंड क्या मेरी बात समझ आ रही है आपसे अल्टरनेटिव नाम भी पूछा जाएगा मैं इसके बारे में बेटा आगे लिखवा दूंगी कि मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6 7th अबडोमिनल सेगमेंट बेटा देखो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने में जाओ तो आप पढ़ोगे कि ग्लैंड का भी सिक्रेशन क्या करता है स्पर्मेटोफोर uh, जो है ना जो ग्लूइंग ऑफ द अराउंड कवरिंग बनाता है डक्ट भी बनाता है मशरूम ग्लैंड भी बनाता है बट एनसीईआरटी नहीं मेंशन करती है तो बेटा एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़ो जब पूछी ही नहीं जाएगी कि आउटर कॉन बनाता है मिडल कॉन बनाता है इनर कॉन बनाता है तो हम क्यों पढ़े ठीक है यस 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 और ये क्या है बेटा फिफ्थ सेगमेंट में फैलिक ग्लैंड जिसे कॉनग्लोबलेट ग्लैंड भी बोला जाता है फैलिक ग्लैंड या कॉनग्लोबेट ग्लैंड फिफ्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है क्या मैं आगे बढ़ जाऊं लिख यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी बेटा एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए बेटा मौत नहीं आनी चाहिए बस मैं आपको आप पेशेंस चाहती हूं अगले पंद्रह मिनट के लिए दैट्स इट आई वांट पेशेंस बेटा आई वांट पेशेंस फ्रॉम यू गाइस जस्ट फॉर नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स प्रॉमिस नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स ओनली ठीक है यस yes. इनके बारे में एक बार लिख दे पहले इनके बारे में एक बार लिख दे पहले बेटा देखो मेल जेनाइटल पाउच के बारे में खुद लिखो मेल जेनाइटल पाउच के बारे में खुद लिखो मैंने लिखवा दिया है स्टर्नम स्टर्नम सॉरी टर्गम प्लस और पीछे में देख लेना कि इसमें किस किस चीजों की ओपनिंग होती है इसको मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूं ठीक है मशरूम ग्लैंड को मैं लिख रही हूं प्रेजेंट इन present इन सिक्स सेवेंथ abdominal सेगमेंट ठीक है इसके बारे में मैं लिख रही हूं कि इसमें होती है स्मॉल टिब्यूल इन साइड जिसको एक्चुअल में यूट्रिक्यूलर ब्रिवियोर भी बोला जाता है इसलिए इसे यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलते हैं इसीलिए इसे बेटा यूट्रीक्यूलर ग्लैंड बोलते हैं है ना यूट्रीक्यूलर ब्रीवियोर चाहो तो याद रख सकते हो क्योंकि यूट्रिकुलर ब्लैंड ब्लैंड बोल रही हूं ग्लैंड बोलते हैं दिस इज इनसाइड एंड लॉन्ग डि जिन जो बेटा आउटर साइड पे होते हैं इसे बोला जाता है यूट्रिकुलर मेजर यूट्रिकुलर मेजर ठीक है फिर मैंने थायराइड ग्लैंड को बारे, के बारे में बोला यस एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी बेटा बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए कॉन ग्लोगेट ग्लैंड एंड बेटा ये कहां प्रेजेंट होता है स्टार मार्क करना एनसीईआरटी में कोई भी चीज दी हुई है बेटा तो वो पूछी जाएगी प्रेजेंट इन फिफ्थ सेगमेंट और लास्ट मैंने बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं कि इनमें कुछ हार्ड टाइटिनियस हार्ड काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर जो आपको मैं एनसीआरटी वाले डायग्राम से भी दिखाऊंगी जिन्हें आप बोल सकते हैं, या बाहर से जो स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर आप उसे फैलोमियर्स भी बोल सकते हैं जो मेल गोनोपोर को सराउंड करता है यह सभी बड़ी यह सभी बड़ी जीनत बेटा आखिर मौत करीब आ रही है क्या कर ओ बेटा जी मेरे आईज पता नहीं क्यों इतनी वॉटरी हो रही है इसकी वजह वजह से से हो रही है है क्या लाइट्स की से? Yes, है? तो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाती हूँ अपने वाले डायग्राम में नहीं बना रही हूँ इस वाले डायग्राम में दिखा देती हूं. ने, ने, नहीं, बस में का बचा है ठीक है आपको दिख रहा है टेस्टिस

दोनों ऐसे फ्यूज करके बनाती है कॉमन डक्ट जिसकी ओपनिंग को बेटा इजैक्यूलेट्री मैं इस डायग्राम में और कचरा नहीं मचाऊंगी मैं वहीं पे दिखा देती हूं आपको जिसकी ओपनिंग को बेटा आप क्या बोलते हो मेल गोनोपोर राइट हाँ ऑफकोर्स बेटा पीवाई क्यू भी कराऊंगी बिल्कुल पीवाई क्यू ले तो के लिए तो बने रहो ठीक है तो ये बेटा क्या है ये कॉमन डक्ट ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट होती है ये एक्चुअल में फैलिक ग्लैंड की डक्ट होती है जो आपको इस साइड दिख रहा है ना दिस इज फैलिक ग्लैंड की डक्ट फैलिक ग्लैंड की डक्ट है ना इसके अलावा बेटा आपको दिख रहा है ये इतने सारे बेटा हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर्स राइट फैलोमियर वेंट्रल फैलोमियर लेफ्ट फैलोमियर टिटिलेटर सीडोपिनस ये सारे उनके बेटा हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है काइटिनियस स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल लो या फैलोमियर बोल लो बेटा या गोनापोफाइसिस बोल लो ठीक है यस एवरीबॉडी ठीक है तो ये बेटा कहीं ना कहीं कॉप्युलेशन में मदद करते हैं टिटिलेटर भी में मदद करता है कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल भी बेटा क्या करता है कॉप्युलेशन में मदद करता है मेल खत्म अब फीमेल में बढ़े ठीक है यस यस अब देखो फीमेल में बेटा हमने यहां तक तो कर लिया था कि ओवरी होती है ओवरी के अंदर ओवेरियोल होते हैं एक ओवेरियोल से एक अंडा बनता है ठीक है ओविडक्ट होती है एक ओवरी से एक ओविडक्ट दूसरी से दूसरी ओविडक्ट फ्यूज करके बनाती है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना जिसकी ओपनिंग को बोला जाता है फीमेल गोनोपोर या फीमेल जोनाइटल पोर फीमेल के केस में बेटा फीमेल के आ, आ, केस में बेटा बहुत, बहुत 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 एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऐसा ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा ऐसा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वन पेयर होती है इसे बोला जाता है कोलेट्रियल ग्लैंड ये कोलेट्रियल ग्लैंड की डक्ट है ये कोलेट्रियल ग्लैंड की डक्ट है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज कोलेट्रियल ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वाई दिस कोलेट्रियल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं भी आपको समझा देती हूं पहले मैं लिख रही हूं वन पेयर हेल्प्स इन सिक्रिएशन ऑफ केस इस एग केस को बोला जाता है उथिका मार्क बेटा एवरीथिंग स्टार मार्क एवरीथिंग इज पिन पॉइंट स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीआरटी स्ट्रिक्टली नीट बेस सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस बैच दिस चैप्टर ठीक है मैंने बोला बेटा बेटा आप एक बार मेरे को एक बात बताओ अभी मैं कॉकरोच में आपको फर्टिलाइजेशन बताऊंगी तो कॉकरोच में ना स्पर्म जो होता है मेल जो होता है ना फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल की जिनाइटल पाउच के अंदर स्पर्म को रिलीज कर देता है और एक्चुअल में फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं राइट उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं लेकिन बेटा उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर हो रहा होता है है ना क्योंकि फीमेल जो होती है ना वो क्या करती है एग्स को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज एग्स को बॉडी के बाहर रिलीज करती है अब बेटा माँ तो माँ होती है है ना देखो ये मैं मजाक में बोल रही हूं लेकिन ये सच्चाई है माँ तो माँ होती है और मैं मैं भी विद टाइम भी मैंने ये रियलाइज किया और आपको भी करना चाहिए मदर्स की हालांकि पापा का भी अपना पापा लोग सारे गुस्सा मत हो जाना फादर हैज अ डिफरेंट अदर रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ मदर जो आपको जन्म देती है मदर का प्यार जो होता है बेटा सेल्फलेस प्यार है दुनिया में बेटा आप जितनी भी आशिकी करें लेकिन माँ का जो प्यार होता है बेटा अनकंडिशनल बिल्कुल सच्चाई है ये प्योर लव अनकंडीशनल लव मैं भी बहुत मिस करती हूँ अपनी मदर को क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ और uh, मम्मी इतना पैम्पर आप जितने भी बड़े हो जाओ मम्मियों का जो पैम्परिंग होता है मम्मियों को जो प्यार होता है प्योर होता है यार जो बोल दो यार मम्मियां कर देती है मतलब हैट्स ऑफ सबकी मम्मियों को प्रणाम है यार सबकी मम्मियों को नमस्कार है मेरा तो like एटलीस्ट है है निकलता हैल्ड है, है मतलब नौ, नौ करके कर, कर रखना फिर आपको जन्म देना और बचपन से लेके उस स्ट्रगल को पेरेंट्स मम्मी ही जो देखती है ना बेटा केयर लेट मी नॉट गेट इन टू दैट इमोशंस बेटा इमोशंस में नहीं जाते हैं ठीक है हम वापस से आते टॉपिक पे तो कॉकरोच की माँ भी तो माँ ही है ना बेटा तो अपने बच्चों को वो ऐसे कैसे खुले में छोड़ देगी है ना तो वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देखो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई और बॉडी के अंदर फर्टिलाइज एग्स बने उस फर्टिलाइज एग्स को वो बॉडी के बाहर रिलीज करने से पहले ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग बना देती है जिसको बोला जाता है लेके है है? है ले आते हैं अगर कभी बेटा तुमने देखा एग की ट्रे होती है ना जिसके अंदर अंडे प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल वैसा ही है अंडे की ट्रे को तुम समझो एग केस या ऊथी का है ना और ये ऊथी का कौन बनाता है बेटा ये ऊथी का ग्लैंड बनाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में ऊथिका की प्रॉपर्टी आगे आपको लिखवाऊंगी इसकी लेंथ कितनी होती है कितने ऊथी का रिलीज होते हैं कितने फर्टिलाइज एग्स होते हैं राइट थैंक यू बेटा फ्रेंड्स यस चलो राइट अब मैं इसके बारे में हो गया अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूं देखो अब ये इनका हो गया बेटा जेनाइटल पाउच एनसीआरटी में इस डायग्राम में दिखाया हुआ है यहां पे हो गया इनका जेनाइटल पाउच ये हो गया इनका जेनाइटल पाउच ठीक है और जेनाइटल पाउच का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है जेनाइटल चेंबर और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है जेनाइट वेस्टिबुलम मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगी यहां पे अगर बनाऊंगी तो घिचपिच हो जाएगा ठीक है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता रही हूं जिसे बोलते हैं स्पर्मा बेटा देखो यहां पे ध्यान से एक बारी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होगा एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होगा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्माथीके ये भी वन पेयर है ये भी वन पेयर है <coughs> एक सेकंड यार इसको आप कैसे मोड़े हाँ, बेटा ये दिख रहा है तुम्हें जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पर्माथीके जो सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है वन पेयर होता है एक सैक लाइक

देखो जेनाइटल पाउच के दो हिस्से हैं एंटीरियर वाला हिस्सा कहलाता है, uh, right? और ये रहा आपका है? एक लाइक -like और एक फिलामेंटस क्लियर हो गया बेटा बस और क्या कुछ भी नहीं बचा फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है ये आप खुद से लिखेंगे इन द मॉर्फोलॉजी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है मैं इसको वापस से नहीं लिखवा रही हूं लेकिन आप बस इसके दो पार्ट ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें जेनाइटल पाउच होता है जेनाइटल चेंबर होता है और वेस्टिब्यूलम होता है नीचे वाला बाकी किस किसके फ्यूजन से बना है वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं सेवेंथ एट नाइन स्टर्नम सेवन स्टर्नम इज बोट शेप राइट यस। अब बेटा स्पर्मा टीके के बारे में हम क्या लिखेंगे वन पेयर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सिक्स्थ सेगमेंट और बेटा देखो जैसे कि आपने ऊ थीका को क्या बोला आपने बोला इज एग केस एग का जैसे ट्रे होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोफोर किसे बोलते हैं स्पर्म के चिपकने को ऑफ द स्पर्म ग्लूंग स्पर्मेटो स्पर्मेटोफोर बोलते हो स्परमैथी के नाम सुनते ही बच्चे को लगता है मेल से रिलेटेड है अरे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है लेकिन इसे स्पर्मेथी का क्यों बोला क्योंकि ये स्पॉम्स को अपनी जब जब मेल स्पॉम को रिलीज करता है ना फीमेल बॉडी के अंदर तो वो स्पर्मेटोफोर्स फोर्स मतलब वो जो स्पॉम्स है वो आपके फीमेल के स्पर्मैके में स्टोर कर हो सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे स्पॉम्स फ्रॉम मेल कैन बी स्टोर्ड कैन बी स्टोर्ड समझ आ गई बात स्पॉम को आप स्टोर कर सकते हो यस यस एवरीबॉडी ठीक है और गुना बिल्कुल बेटा ये वही है जैसे कि मेल्स में होते हैं जिनको आप जेनिटेलिया बोलते हो वैसे ही फीमेल के के केस में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाहर से विजिबल होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल सकते हो डन डंडन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में जो बातें बोली है बेटा वो लिख लेते हैं फिर पीवाई क्यूज करते हैं ठीक है ठीक है देखो मैंने क्या बोला बेटा बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है वाई बिकॉज स्पॉम्स रिलीज इनसाइड द बॉडी इन साइड द बॉडी ठीक है एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई ठीक है बेटा अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई अब बेटा अंदर फर्टिलाइजेशन जब होती है तो फर्टिलाइज्ड एग्स बनेंगे जिसे आप जायॉन बोलते हो फर्टिलाइज एग्स बनेंगे अब बेटा मेरे को बताओ फर्टिलाइज एग्स के ऊपर वो जो ब्राउन कलर की डार्क ब्राउनिश कवरिंग होगी उस कवरिंग को क्या बोलते हैं ये फर्टिलाइज एग्स है ये एग्स है? है। याद रखना है फर्टिलाइज एग्स के ऊपर बेटा कोलेट्रियल ग्लैंड उस एग ट्रे का फॉर्मेशन करती है जिसे ऊपर बोलते हैं राइट लेकिन लेकिन मेरे बच्चों फर्टिलाइज एग्स बेटा दो रोज में प्रेजेंट होती है इस तरीके से चौदह से सोलह फर्टिलाइज एग्स फोर्टीन से सिक्सटीन फर्टिलाइज एग्स बेटा प्रेजेंट इन टू रोज अकॉर्डिंग टू एनसीआर प्रेजेंट इन टू रोज अकॉर्डिंग टू एनसीआर विद इन दूथिका विद इन द एग केस देखना बेटा देखना बेटा ये रहा ये का मैंने बनाया। ये मैंने मैंने बनाया राय कोलेट्रियल ग्लैंड ब्रा, डार्क ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश इसकी लेंथ टी में दी हुई है एट मिलीमीटर एट मिलीमीटर लॉन्ग और बेटा जी याद रखना है बेटा देखो कितने थे, क्योंकि आप ना कंफ्यूज होते हैं कि फीमेल एक बारी में कितने ऊथिका रिलीज करती है और एक ऊथिका के अंदर कितने अंडे होते हैं ये कंफ्यूज होते हो और बेटा ये ध्यान रखना मैंने लिखा हुआ है फर्टिलाइज एग्स की कवरिंग होती है अन एग्स की कवरिंग नहीं होती क्योंकि sola, तो याद रख लो अंडे सोलह का सोलह नहीं होंगे तो आप क्या बोल रहे हैं कि भैया फोर्टीन से सिक्सटीन फोर्टीन से सिक्सटीन फोर्टिलाइज एग्स इन वन ऊथी का एंड एट वन टाइम एट वन टाइम इन टू टेन ऊथी का रिलीज नाइन टू टेन ऊथी का रिलीज और कहां पे रिलीज होगा थोड़े डैम एरिया में थोड़ी गीली एरिया में मॉइस्ट एरिया में जहां खाने की अवेलेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो क्योंकि मां तो मां होती है ठीक है चलो और लास्ट पोरोमेटाबुलस इंसेक्ट इसे बोला जाता है डेवलपमेंट फिर पीवाई क्यों करूंगी बस ये पोरोमोटाबुलस एक बार मैं बता देती हूं कि एग से बनता है निम्फ यानी बेबी कॉकरोच और बेबी कॉकरोच से बनता है एडल्ट कॉकरोच और इसमें होती है वो कपड़े नहीं आते हैं। एक साल बाद वो कपड़े आ फिर से नहीं आएंगे और फिर दस साल के बाद वैसे ही जब बेटा इनका बेबी कॉकरोच जिसे तुम निम्फ बोलते हो वो बड़ा होता जाता है एडल्ट में कन्वर्ट होता जाता है उसको अपने कपड़े त्यागने पड़ते हैं उसका कपड़ा क्या है उसका कपड़ा है उसका कपड़ा क्या है उसका कपड़ा है काइटीनस एक्सोस्केलेटन उसको हमेशा उसको शेड ऑफ करना पड़ता है जिसे बोलते हैं मोल्टिंग जिसे बोलते हैं बच्चों मोल्टिंग तो मैं बस उसके बारे में लिखवाती हूं आपको फिर पीवाई क्यों है बेटा आगे ठीक है तो यह है तुम्हारा एग एग से बनता है बेटा निम्फ बेबी कॉकरोच और निम्फ से बनता है बेटा एडल्ट कॉकरोच इसे जुविनाइल बोलते हो और बेटा इसमें निम्फ से एडल्ट बनने के लिए थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग करनी पड़ती है थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग करनी पड़ती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ शेडिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, शेडिंग ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, डन यस बताओ जी ठीक है तेरा बार मोल्टिंग करती है तब जाके बेटा सफल होती है और किसमें कन्वर्ट होती है एडल्ट अगर तुम बेबी कॉकरोच और और बेटा ये जो मोल्टिंग होती है ना इन्हें बोला जाता है पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट पोरोमेटाबोलस या, या फिर ग्रेजुअल धीरे धीरे होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है ग्रेजुअल मेटामॉरफोसिस होती है ठीक है धीरे धीरे मोल्टिंग होती है ठीक है बच्चों निम्फ के पास नो विंग्स लेकिन एडल्ट के पास विंग्स होते हैं यह बात याद रखनी है ठीक है निम्फ के पास विंग्स नहीं होते एडल्ट के पास विंग्स होते हैं लेकिन निम्स फॉर एडल्ट का मोड ऑफ लाइफ सेम होता है यानी ये जिस तरीके से जीवन जीते हैं ये भी उसी तरीके से जीवन जीते हैं मोड ऑफ लाइफ सेम बट स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है एक के पास विंग्स है एक के पास नहीं है और इसीलिए इनको पोरो मेटाबोलस पोरोक्ट भी बोला जाता है इनकी मेटाबोरफोसिस स्लो एंड ग्रेजुअल होती है तेरह बार मोल्टिंग करती है तब जाके बेटा सफल होती है क्या बेटा मेरे को एक बात बताओ समझ आ गया सभी को यस yes? विंग पैड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जहां से विंग्स अराइज करती है तो एनसीआरटी ने एक पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट टू लास्ट स्टेज बस ये लास्ट लाइन लिख लो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स ऑफ अफकोर्स बेटा लास्ट निम्फल स्टेज का जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें विंग पैड्स होते हैं जहां से विंग्स राइज करेंगी क्योंकि ही तो बनने वाला है राइट right? एक बारी मैं समाप्ति एक्सप्रेस चला दू बेटा दो मिनट के लिए रिपोर्टिव सिस्टम को रिवाइज करने के लिए क्या समाप्ति एक्सप्रेस चला दू एक बारी फॉर द लास्ट टाइम फिर पीवाई क्यू मेल रिपोक्टिव सिस्टम फीमेल रिपोर्टिव सिस्टम कंपेयर करते हैं मेल हैज हैज टेस्टिस 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 फीमेल ओवरी। वन ओवरी, वन फीमेल ओवरी 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 वन वन पेयर पेयर हैज

कॉमन इजैक्यूलेट्री डक्ट की ओपनिंग को बोला जाता है फीमेल सॉरी मेल जेनाइटल पोर मेल गोनोपोर जो मेल के जेनाइटल पाउच में ओपन होता है फीमेल के कॉमन ओविडक्ट या विजाइना की ओपनिंग को बोला जाता है फीमेल गोनोपोर जिसकी ओपनिंग दिखती है फीमेल जेनाइटल पाउच में फीमेल मेल के केस में समाइनल वेसिकल्स होते हैं व्हाइट कलर के शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पर्म की ग्लूइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूइंग ऑफ स्पर्म को बोला जाता है स्पर्मेटोफोर और ये जो होते हैं स्पर्म को स्टोर भी भी कर सकते भी कर सकते सकते हैं हैं नरिशमेंट इसके अलावा इनके पास सिक्स और सेवन सेगमेंट में होता है मशरूम ग्लैंड अंदर की तरफ छोटे टिब्यूल स्मॉल टिब्यूल बाहर की तरफ लॉन्ग टिब्यूल और इसके अलावा इनके फिफ्थ सेगमेंट में होता है फैलिक ग्लैंड या कॉनग्लोबलेट ग्लैंड इसके अलावा इनके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसे गोनापोफाइसिस भी बोल सकते हैं

डिवाइड कर रहे वाला chamber, नीचे वाला हो ऊपर वाला डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रही है, को उथी का है एक बारी में नौ से दस उथी का, एक उथी का के अंदर चौदह से सोलह एक्स ये होते हैं बेटा इंसेक्ट यानी कि स्लो स्लो ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस होती है तरह बार मोल्टिंग होती है तब जाके निम्स कन्वर्ट होता है एडल्ट में निम्न के पास विंग्स नहीं होते एडल्ट के पास विंग्स होते हैं तो टेक्निकल संदीप बेटा रेट ऑफ स्पीच कम नहीं होगी क्योंकि ये, ये हो yes. आखिरी दाव के लिए आप रेडी हो जाइए और कमेंट्स में बेटा तुमने कंजूसी की ना बेटा तो तुम देख लेना लेक्चर के बाद अगर मेरे को तुम्हारे कमेंट्स नहीं मिले कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया ठीक है चलो अब बेटा पीवाई क्यू शानदार जानदार तरीके से बेटा शुरू करते हैं मेरे 3.8 के स्टूडेंट्स के लिए थ्री पॉइंट नाइन कभी 4 हो जा रहे हैं ठीक है कितना आसान लगा बहुत सही बेटा वेरी गुड वेरी गुड बेटा दिस दिस इज बेटा द हलवा क्वेश्चन ऑफ ईयर ट्वेंटी स्टार्ट कीजिए बेटा 2022 का पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पर ये रहा टेगमिना इन कॉकरोच राइजेस फ्रॉम और अपने आप को नंबर देते जाना ठीक है यस

और से नहीं आए थे लेकिन 2020 में काफी सारे सवाल आए हुए हैं ऐसा ऐसा क्यों? क्यों? जनता जानना चाहती है। कॉक्रोच डॉट हैल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वेंट्रल पार्ट होल्ड ओनली वन थर्ड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम पार्ट सुपर इज गैंग्लियोन इज सिचुएटेड इन देंट्रल पार्ट क्योंकि मैक्सिमम वेंट्रल साइड पे है हेड में बहुत ही कम पोर्शन है तो ठोको ताली मिल गया चार नंबर बेटा दिस इज द लेवल ऑफ पेपर आप मेरे को चाहे अच्छा बोलो बुरा बोलो भला बोलो बेटा बट मैं आपका भला ही चाहती हूं और मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूं बेटा स्पेशली 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 एवरेज जो बच्चा होता ना please, 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 moment, है ना बेटा प्लीज 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 लास्ट मोमेंट एन ही फॉलो करो ठीक है ट्वेंटी 2020 का बेटा जैसा कि मैंने कहा ये सवाल रिपीट भी हुआ था सीक्वेंस में बेटा आप आइडेंटिफाई करो फोर गट के पार्ट को माउथ लीड्स टू क्रॉप लीड्स टू माउथ माउथ लीड्स 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 टू 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 गिजर्ड क्रॉप क्रॉप गिजर्ड ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स मैम को मिल चुके हैं चार नंबर आपको भी मिल चुके होंगे आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर ठीक है चलिए मैच द फॉलोइंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल का हो गया थ्री एक ही ऑप्शन में दिया है बाबू मोशाए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस हिपैटिक सी के टू का हो गया वन टू का हो गया वन टेन पेयर स्पैरिकल्स थ्री का हो गया फोर इनर सरकाई सेगमेंट ठीक है डन प्लस फोर देखो रिपीट हुआ सवाल देखो रिपीट हुआ सवाल ट्वेंटी नाइनटीन का रिपीट हुआ सवाल 2019 का एलिमेंट्री के को सीक्वेंस में माफ करो फैरिंग्स लीड्स टूग लीड्स टू क्रॉप लीड्स टू गिजर लीड्स टू इलियम कोलन एंड रेक्टम ठीक है प्लस फोर ठीक है और लास्ट सवाल आज के डेट का बेटा आप लोगों के लिए रहा ये आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पर फॉलोइंग फीचर इज यूज टू अ मेल फ्रॉम अ फीमेल कॉक्रोच बताओ बेटा इस हलवा सवाल क्या देंगे तुम्हें बनने के लिए? फिर तुम रोते हो मैम पेपर बाहर से नाइन्थ सेगमेंट प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंस ऑफ सरकाई तो मेल को फीमेल से आइडेंटिफाई करने के लिए एनर स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है और बेटा इसी के साथ होती है लेक्चर की समाप्ति बेटा मेरे को जेनुइनली आप अपना फीडबैक बताना जेन्युनली कोई भी पिछले पांच साल में एक भी ऐसा सवाल लगा जो आप एन पढ़ते तो नहीं होता मैं अपने नोट्स की भी बात नहीं कर रही क्योंकि बेटा हर टीचर एनसीआर पढ़ाता है यार तो मैं नहीं मेरे नोट्स से आएगा ऑफ कोर्स एनसीआरटी पढ़ा रही हूँ तो एनसीआरटी ही आएगा वहीं से पेपर आएगा कहां से पेपर आएगा फलाना से ढिमकाना से कहीं से पेपर नहीं आता यहीं से पेपर आता है बेटा अतिरिक्त अति के चक्कर में ना जीवन बोलते हैं ना जीवन में भी अति की इच्छा होती है तो हम जीवन के सिंपल चीजों का मजा भूल जाते हैं और ये आपके एग्जाम के साथ भी होता है जब आप अति के चक्कर में रहते हैं ना तो दुर्गति हो जाती है तो अति के चक्कर में दुर्गति नहीं होनी चाहिए अति के चक्कर में बेटा मैं कॉमेंट्स आपके बेटा वीडियो खत्म होने के बाद पढ़ूंगी तो मुझे जरूर बताना ठीक है और जैसा कि मैं हमेशा गाने से एंडिंग करती हूं तो आज मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था तो मेरे को वही गाना आ रहा है तो मैं वही गाना आपको सुना देती हूं फिर देखते हैं हम कब मिलते हैं नेक्स्ट ठीक है विल सी कि कब मिलते हैं बट आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो ठीक है एक छोटा सा गाना आप लोगों के लिए मैं सुना देती हूँ सॉन्ग ऑफ द डे फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती कैसे बताऊ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया मतलब डॉक्टर बनने के सपने है ना नीट में सिलेक्शन के सपने और मेडिकल कॉलेज के सपने और पापा मम्मी को खुश करने के सपने तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा तेरी ही यादों में उलझा रहा मैं जैसे की माला में धागा हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हो इतना नाम मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार बहुत सारा प्यार बेटा आप लोगों के लिए थैंक यू सो सो so मच बेटा बने रहने के लिए अंत तक आई गो थ्रू ऑल योर कॉमेंट्स बच्चा पार्टी आई लव यू ऑल पढ़ाई करते रहो बच्चों ऑल दी वेरी बेस्ट बाय बाय